एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। Dear brothers and sisters, there is a world outside of you, a world which is so broken, a world which is so shattered. Your eyes shall see the plight of world around you today. Your ears shall hear the cry of a sad, painful, distressed and wounded world around you. There are millions and billions of people in this world who are dying of hunger and thirst. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! God that Jesus gives us, He has given us the duty to touch the lives of these people. If we abandon them, then we are indifferent to them. These people will cry out. And that cry will reach heaven, and the God will blame us and hold responsible. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord!
ये लीजिए, अंदर ले जाइए। पैसा मिला क्या चाकू भैया? नहीं, कहाँ मिला। उन्होंने कहा जॉय सर के हाथ में दे देंगे, फिर वो मेरे हाथ में क्यों देते। लो सुनो, ये क्या बात हुई, मैं जॉय सर की बीवी हूँ, पैसा मुझे दे देंगे तो क्या तकलीफ है उन्हें। बड़े अजीब किस्म के लोग हैं ये क्या बात हुई। जॉय यहाँ नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये। एक बार उन्हें वापस आ जाने दो, खुलकर बात करूंगी उनसे। हाँ परिमल सुनो, तुम पैसे घर में पहुँचा देना, मैं उनसे बात कर लूंगी। जॉय सर कब आएंगे दीदी? 2 दिन बाद। जब भी इस कुर्सी को खाली देखता हूँ तो मुझे जॉय सर की बहुत याद आती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। जॉय सर इसमें आराम से बैठते थे तो उन्हें देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। उनके बिना ये घर सूना है। हमारी शादी से अब तक इस तरह किसी के घर में जाकर रुके हैं मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। किसी की शादी हो या फिर कोई पार्टी हो तो मेरे मायके में जाकर रुकते हैं, इतना मुझे याद है, बस इतना ही। इस बार वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी और इस बार तो उन्हें जवाब देना ही होगा। ऐसा क्या लगता है इस घर में फिर से कुछ गड़बड़ होने वाली है? आपको और बच्चों को छोड़ के क्यों चले गए? बात कुछ हजम नहीं हुई। उसकी फिक्र तुम मत करो, दोस्तों यारों के साथ कहीं घूमने फिरने निकल गए होंगे। बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही है, ये पुराना जमाना नहीं है ना। एक दिन क्लास मिस हो गई तो एग्जाम में बच्चों को मार्क्स भी कम आते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हाँ वो बात तो सही है, जहाँ तक मैंने सुना है वो हमारे पाला कुट्टी के साथ कहीं मौज मस्ती के इरादे से गए हैं। कोई काम या बिजनेस के सिलसिले में जाना हो तो वो हमें पहले सब कुछ बता कर ही जाते हैं ना दीदी। दरअसल वो हमारे सनी भाई के साथ गए हैं इसलिए कुछ बता कर नहीं गए। पूरे 10 साल बीत गए हमारे सनी भाई की शादी होकर, अभी तक भगवान ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी। सैन फ्रांसिस चर्च में जाकर प्रेयर करूंगा ऐसा सनी भाई ने कहा था। मुझे लगता है उसी के लिए वो गोवा गए होंगे। हमारे रिश्तेदार होने के नाते ऐसे वक्त में उनका साथ देना हमारा फर्ज है या नहीं, इसीलिए जॉय उनके साथ चले गए होंगे। मुझे पहले से पता था इसीलिए उनसे सवाल नहीं पूछा। और वैसे भी जॉय काफी वक्त से उस चर्च में जाना चाह रहे थे। तो मेरी फिक्र मत कर। अरे भाई संभल के, अरे बहुत मुझे डर लग रहा है यार। अरे बचाओ, अरे कैसे उतरेंगे। कैसी हो तुम? Yes. I love you. Come on. अरे nothing, I'm joking. यार तू बेकार में जिद करना छोड़ और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन। तो तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक इम्पोर्टेंट मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैं। एडवोकेट होने के नाते मेरी भी कल एक अर्जेंट मीटिंग है यार, उसके बाद ही मैं तुमसे मिल पाऊंगा भाई। क्या कहा, अभी नहीं मिल पाएगा? तेरे पास मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है? हाँ? कुछ भी हो, कल ये केस तुम्हें कोर्ट में सबमिट करना ही होगा चाहे कैसे भी। जब फुर्सत मिलेगी तब करूंगा सबमिट, ये बात समझ ले, ठीक है? ठीक है ठीक है। कौन है कौन है? अरे सही वक्त पर आए तुम लोग। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ दे, मुझे पाली से डर लगता है, छोड़ दे, अरे गाना छोड़ो, मुझे मुझे पाली से डर लगता है, चलो चलो। तुम यहाँ और कितने दिनों तक रुकोगे? जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे वाह, तू ये मत भूल, हमें किसी भी सूरत में कल घर पहुँचना है। अरे भाई मुझे भी बहुत काम है। और नहीं तो क्या, समझा कर। ठीक है, एक आइडिया है। क्या? बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? देखते जाओ भाई साहब, इसे चर्च में चढ़ा दोगे? क्या हुआ भाई? बस आप इस फूल को उस बॉक्स में डाल देना प्लीज। ओके ओके ओके। आराम से आराम से आराम से भाई। अरे सर के अंदर दिमाग किस लिए है, बस समझदारी चाहिए। है? पल भर में सब कुछ निपटा दिया। कैसे? अरे मैं भारतीय हूँ, चढ़ावा बॉक्स में डालने के लिए बोल दिया और एक जबरदस्त डायलॉग मारा, वो भी प्यार से, आराम से आराम से, और देखो अपना काम भी हो गया। चलो चलो। But I make sure that you don't leave.
तुम लोग चलो भागो यहाँ से, भागो। पापा को डरा दिया। बच्चों चलो जाकर रेडी हो जाओ, आज सुबह सुबह क्या मस्ती में लगे पड़े हैं। तुम फिर शुरू हो गई, कल का क्या कुछ कम था? ये सब तो हमारे भी चलता ही रहेगा, मैं वो बात नहीं करना चाहता। अच्छा आप रात को ऐसे नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या बताओ ना मैडम जी, व्हाट इज योर नेम, कम हियर, आई लव यू, यही बार बार बोल रहे थे आप। अच्छा ऐसा क्या? देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है एनसी। रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मैंने देखा कि मुझे बहुत खराब बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। hey, मैंने आई लव यू नहीं कहा होगा, मैंने आई गिव यू कहा होगा। वो क्या है ना, बिल बहुत लंबा चौड़ा था, मैं भिजवा दूंगा तुम डरो मत। मैंने बस ये कहा होगा। चलो वही सही। हाँ। अरे मेरी प्यारी जाने मन, ये बात किसी और को बताकर मेरी बेइज्जती मत करवा देना। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ दो, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मिलेगा? एक्चुअली मुझे एक चीज बहुत पसंद आई। तुम बताओ तो सही क्या चाहिए। मैंने उस दिन आपको बताया था ना जॉय, मैं दुकान में एक चीज पसंद करके आई हूँ, वो मुझे दिला दीजिए ना जॉय। वो तुम्हें अभी चाहिए क्या? प्लीज जॉय दिला दीजिए ना, मैं उन्हें बता भी चुकी हूँ। क्या? यही कि आप मेरी हर विश पूरी करते हैं। सोनी जैसी गाड़ी को मैं हर रोज चमकाता रहता हूँ, ये दौड़ती तो कम खड़ी ज्यादा रहती है, खड़ी खड़ी सड़ ना जाए इसलिए काम करो, इसे बेच के एक नई गाड़ी खरीद लो जॉय साहब। इस नए जमाने में पुराने मॉडल की गाड़ी आपको जचती नहीं है। ये गाड़ी हमारे खानदान की आखिरी निशानी है और इसे मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदी, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये मेरे दादा की खरीदी हुई पहली गाड़ी है, इसमें आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दिखावा करने से कोई फायदा नहीं, देखो इंसान को आगे बढ़ते वक्त पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए। आज तक तुमने इस गाड़ी से कोई भी आवाज सुनी क्या? बताओ, पुरखों की चीज को बेचकर शीश महल खड़ा करने वालों में से नहीं हूं मैं। अब ये हूं क्यों? हाँ बताओ। लेट्स गो पापा। टुडे चाको ड्रॉप यू, चाको गो ड्रॉप। पापाज इंग्लिश, पो इंग्लिश, माय इंग्लिश नो ग्रामर। आप पढ़े लिखे नहीं है पापा, फिर क्यों ऐसी बात करते हैं? जब हम छोटे थे तो आज के जैसी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए ज्यादा नहीं पढ़ पाया। अब तुम लोग जाओ। आ जाओ। यू आर माय स्वीट पापा। मैसूर तुम लोगों का नहीं हाल है। अब मजाक मत उड़ाओ। बच्चे क्या कर रहे हो? बाय बाय मम्मी। दादा बाय। मैं भी जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, हमें बाहर जाना है ना। हो गया यार, जल्दी कर, लेट हो रहा है ना। तू लड़की देखने नहीं जा रहा है भाई, कॉलेज में पढ़ाने जा रहा है। जवान दिखने के लिए दवाई के साथ थोड़ा सजना भी जरूरी है। ये तेरी रासलीला मेरी समझ में नहीं आती, चल। ये कहाँ जाकर अटक गए, अभी तक आए नहीं। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, मेरे पति भी। वो कहाँ जा रहे हैं? वो पुलिस वाले लग रहे हैं। देखो जी उसे अंदर गए कितनी देर हो गई है। अरे मेरी रानी तू उसे छोड़। एजी सुनिए ना दीदी। थैंक यू। आज कुछ खास बात है इसलिए थैंक यू कह रहे हो। मैंने जो टिफिन दिया है उसे याद से खा लेना, भूल मत जाना। देख क्या रही हो, जरा हाथ लगाओ। हाँ हाँ जरा उठा, देख के पकड़ना। बहुत खूबसूरत है ना दीदी, इसलिए तो लिया है। वैसे तेरी गले में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। सच में बहुत सुंदर है। जमीन पर रहकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, उड़ने के लिए पंख नहीं, जमीन पर पैर नहीं, बीच मझधार में झूल रही है जिंदगी, ऐसा हमारे वेदों में लिखा है। इंसान की ख्वाहिश पहाड़ों की ऊंचाई के जैसी बढ़ती चली जाती है, कभी कम नहीं होती। ये इनको क्या हो गया है? दादी माँ से मैं मिलने क्या चला गया, पता नहीं मेरा 1,25,000 कहाँ चला गया।
ये लो उस बिल वाली फाइल में, इसे भी रख दो। चाको ने मुझे यह काम के लिए बुलाया, तब मुझे पता चला कि आप लौट के आ गए हैं। एक बात कहूँ, आपको इस कुर्सी पे जब भी बैठा हुआ देखता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे इस तरह बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है कुंजी राम भैया, मुझे भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। नहीं है, फिर भी कोई फिर भी नहीं। अच्छा क्या हमसे पूछकर पेड़ पौधे फल फूल देते हैं, गायें दूध देती हैं? अरे ये सब संसार का नियम है, हमें तो बस अपना काम करना है। आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, फिर भी खाली बैठने से इंसान का दिमाग जो है वो दूसरी जगह भटक जाता है। वैसे काम कैसा चल रहा है कुंजी जी? सीढ़ी पूरी तरह से सड़ चुकी है, उसे नई बनवानी होगी। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वैसे ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। काम चलने तक मिल जाएगा तो मैं पूरा कर दूंगा। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, उसके बाद मैं आके बना दूंगा। अच्छा कुंजी राम जी, जब आपने कह दिया तो मैं आगे और क्या कहूँ। कुंजी राम जी आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है? और कुछ कहना है? 1000 एडवांस मिल जाता तो क्या? एडवांस मिल गया तो पैसे उड़ा देंगे कुंजी राम जी, काम पूरा होने के बाद ही से पैसा देना सही होगा। 1000 उधार समझ के ही दे दीजिए, 2 दिन के बाद मैं इसे लौटा दूंगा। वैसे मेरा काम थोड़ा ठंडा चल रहा है। मैं 2 दिन में देता हूँ। चल वादे के मुताबिक पैसा लौटाना मत भूलिएगा कुंजी राम जी। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उसकी बातें सुनी आपने? बोल रहा है कि काम ठंडा चल रहा है, गांव में मजदूर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, और ये काम में तो जाता नहीं है, बस दिन भर शराब पी के घर में पड़ा रहता है। सोमवार को लिया हुआ पैसा और उससे पहले लिया हुआ पैसा उसने अभी तक लौटाया नहीं है। अब जाने भी दो चाको, इन बातों का कोई फायदा नहीं। कुंजीराम जो भी पैसा लेता है वो कभी नहीं लौटाता, ये बात मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ वो शराब पीता है। तुम बस 6ठे महीने का हिसाब किताब कितना हुआ ये बताओ, अभी तक तुम 4थे महीने का हिसाब किताब लेकर बैठे हो। वैसे एक बात तो है, कुंजीराम को मैंने जब भी बुलाया वो आया, वो कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं करता है। आज के दौर में ऐसा मेहनती आदमी मिलना बहुत ही किस्मत की बात है। वक्त पे आ जाता है, हरी नोट देखते ही हाथ फैला देता है। अब ये सब छोड़ो, तुम बस अपना काम पूरा करो। हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सामूल के आज के बाद तू पीना छोड़ दे। तू अगर इसी तरह अपनी जिंदगी बिगाड़ता रहेगा तो कल भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? तू मुझसे पूछेगा कि क्या भगवान नहीं पीते हैं? लेकिन उनमें और तुझमें बहुत बड़ा फर्क है। पर एक बात है, तू शराब हद में रह के नहीं पीता है, बल्कि शराब तुझे पीती है। इसके अलावा तू बाद में पूरे मोहल्ले वालों से लड़ता झगड़ता भी रहता है, और तो और उसके बाद तू अपनी बीवी को भी मारता है, ये कौन सा तरीका है? देख बेटा, ये जो संसार मिला है ना, वो मिलजुल कर बिताने के लिए मिला है हम सबको। मेरी बात समझ में आ रही है ना सामूल? समझ गया फादर। तो फिर तू जीसस के नाम से वादा कर कि आज के बाद तू बिल्कुल नहीं पिएगा। आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और शराब पी के कभी झगड़ा नहीं करूंगा। सच्चे दिल के साथ मुझसे वादा कर सामूल, आज के बाद मैं ना तो शराब के हाथ लगाऊंगा और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा। वादा करना। आज के बाद ना शराब पीऊंगा ना शराब पीकर किसी से झगड़ा करूंगा। मैं ये बात गॉड की कसम खा के वादा करता हूँ। गॉड की कसम खाकर मैं ये वादा करता हूँ। ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। चीयर्स। तुम दोनों ही तो हो हमारे टूरिस्ट ग्रुप के रोल मॉडल्स। तुम लोगों की आप बीती और बचपन की कहानी सुनकर मुझे ऐसे लगा कि हम लोग किसी रोमांचक दुनिया में आ गए हैं। ऐसे खाने पीने और ऐश करने की कमी नहीं रही कभी, जॉय के होते हुए। सेकंड फाइनेंसर वकील साहब हैं। जब पढ़ाई करना था उस वक्त पढ़ाई कम और मौज मस्ती ज्यादा करता था। प्री डिग्री करते समय मेरे पापा ने मुझसे कहा, अभी तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पुरखों की बहुत कुछ पड़ी हुई है, उसे संभाल लो, यही बहुत है। किस्मत वाले हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, उनके जाने के बाद मेरी किस्मत ही खत्म हो गई। स्कूल के जमाने में अपनी पढ़ाई छोड़कर गिल्ली डंडा खेलना, मेला घूमने जाना, फिर लड़कियों के पीछे पीछे घूमना और उनसे डांट सुनना, ऐसी बहुत सारी रंगरेलियां जानते हैं आप। क्यों नहीं, सब पता है। तुम्हें पता है बालकृष्ण,
ये केरला कांग्रेस की पूरी खबर रखता है। इसके सिवा इसे कोई काम ही नहीं। पता नहीं इसकी बीवी इसके साथ कैसे बेचारी फंस गई। और सच कहो तो मुझे इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। केरला कांग्रेस में क्या खराबी है? क्या खराबी है केरला कांग्रेस? मजाक कर रहा है। केरला कांग्रेस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं होने वाला हूँ, चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो। मैं तुम्हें सच्चे मन से कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। जॉइना फिर से शुरू हो गए वही राजनीति। ये सुन सुनकर मैं पक गई हूँ। पता नहीं क्यों वही घिसा हुआ टेप बजाते रहते हैं। अब चाहे तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन कांग्रेस में खूनी भी है। वैसे हर पार्टी में क्रिमिनल्स होते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी से मुझे कोई खास विरोध नहीं है। साथ में भाभी को भी लेकर आते भाई साहब। फोन करके बुला लो, वो आ जाएगी। फादर भी आ गए। आइए फादर, आइए। यीशु मसीह तुम्हें खुश रखे। यीशु मसीह सबको खुश रखे। यीशु मसीह आपको, तुम सबको भी खुश रखे। बैठो बैठो बैठो। कैसी है ये? देखो, मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार ने अमेरिका से मुझे तोहफे के तौर पे यहाँ भेजी है। बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए तोहफे के तौर पे भेज दी। इस एंथनी फादर को प्यार से भेजी हुई है ये इम्पोर्टेड स्कॉच। इसे पीकर उसके लिए प्रे करूंगा। गिलास उठाओ, टकराओ। भाई साहब ने आज खास दावत दी है। आज ऐसा खास क्या है ये मैं जानकर ही रहूंगी। आपसे बोल बोल कर थक गई। तैयार होने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं आप? मैं तैयार हो गया। आपका प्यारा दोस्त मुझसे कह रहा था वक्त गवाकर कोई फायदा नहीं है, वो जल्दी मामा बनना चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के चक्कर में थक जाता हूँ, और मेहनत करूँगा तो समझो मरी जाऊँगा। सुनिए ना जी, हमसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें बुराई ही क्या है? चलिए ना। बाप रे। अच्छा सुनो एनसी, मुझे एक शक है। और वो ये है कि तुम हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं सोच रही हो। हर वक्त बस वही बात। ऊपर वाले ने हमें दो इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अब परिवार और बढ़ाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर एक दो बच्चे और हो जाएं तो फिर क्या प्रॉब्लम, हमारा परिवार ही बढ़ेगा ना। पीना, हमेशा मजाक सोचता रहता है। मेरी प्यारी बीवी, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप ने 10,000 रुपया गरीबों में बांट कर झूले में झूला कर मुझे दूध पिलाते हुए बहुत लाड़ प्यार से पाला। अब सोच कर देखो, अगर दिल ना करे तो ना कह देना, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, मुझे तो और बच्चे चाहिए। आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास बात कहने जा रहा हूँ जो परिवार से संबंधित है। अगर इस संसार में कोई स्वर्ग है तो वो है हम सब का परिवार। तो हमें परिवार के लिए ही हमेशा काम करते रहना चाहिए, उन्हें कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनके लिए खुद तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसका ख्याल रखते हुए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हर सुख दुख में गॉड हमारे साथ है ये हमें नहीं पता, फिर भी हमें उनका एहसान हमेशा याद रख के चलना चाहिए। हे ईश्वर, तुम मेरी हर इच्छा को पूरी करना। बुरे कर्मों से नरक जाने के रास्ते खुल जाते हैं। वो त्रिवेंद्र में जॉब करता है ना? उसकी एक दो केस की मुझे डिटेल्स चाहिए। सेक्रेटरी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिलकर केस के फाइल का पेपर भी लेना है मुझे। अभी तो फिलहाल मेरा सबसे बड़ा काम वही। तुम भी चलो साथ में, थोड़ा घूम भी आएंगे हम लोग। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। गोवा ट्रिप की थकान अभी तक नहीं उतरी है। तुम किसी और को लेकर जाओ, देखो वही सही रहेगा। अपने साथ कोई होगा तो अच्छा रहेगा। अब तुमसे अच्छा तो मेरा कोई दोस्त है नहीं। इसको उसको मस्का लगा कर ले जाओ, मुझे पसंद नहीं आता ये। सिर्फ पैसों की बर्बादी है इसमें, और वैसे भी तो वहाँ की हरियाली तो जानता ही है। ये तो क्या कह रहा है, मैंने भी आज तक ये काम नहीं किया, और वैसे मेरी बीवी में क्या कमी है? मेरे पास आज जो कुछ भी है वो मेरा अपना कमाया हुआ नहीं है। ये सब कुछ मुझे मेरे पुरखों ने दिया है। इसे बर्बाद किए बगैर अपने बाल बच्चों के लिए रखना ये मेरा फर्ज है। लालच दिखाकर तू मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा। वाकई तुम मेरे अंकल के ही लड़के हो। बचपन में 10,000 रुपए चुरा कर तुम मेरे साथ घूमने गए थे, ये आज तक नहीं भूला हूँ मैं। मान गया मेरे बाप, मान गया। मान गया, मान गया बाप। चल चाको। ये गाड़ी आगे बढ़ेगी या नहीं, इसकी आवाज सुन के मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो संभल के उतर, उतरो सब। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो, कौन हो तुम? अरे क्या कर रहे हो?
तूने मुझे अभी पहचाना नहीं, तो हर किसी से अपनी मनमानी करता है ना। तू सामने वाले से पैसा लेके छोटे बाबू को जेल में भेजवाया है, अब देख मैं तेरी वकीलगिरी कैसे निकालता हूँ। हाथ मत उठाना मेरे ऊपर, वरना तुम जानते हो मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तेरी गुंडागर्दी में एक सेकंड में निकाल दूंगा। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। तुम्हारे लिए एक दो साड़ी भी लेनी थी। अरे ये क्या हो गया? तेरी सनी, अरे बाप रे, तुझे मैं यहाँ लड़ने के लिए लाया हूँ, क्यों यही मारने के लिए आया? तो चला जा। जाइए, मारा मारी करने का बहुत शौक है ना, तो जाकर लड़िए फिर से। जाइए बाबा, मारिए। अब समझ में आया तेरे सामने कौन खड़ा है? ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कॉलर शॉट, उससे उलझोगे तो फैला दूंगा। मुझे मार दिया था। अरे जरा हटो, क्या कर रही? अरे अरे रुको रुको रुको, तुम फायर क्यों कर रहे भाई? चर्च के सामने गुंडागर्दी कर रहे हो तुम लोग, ये कौन सा तरीका है? सनी क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? फादर ने बोला इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो खाल खींच लेता। क्या कर रहे हो, चलो जाओ। चलो भाई, मेरे लिए तो रुक जाओ। अरे रुको, आपको समझाना मेरी बस की बात नहीं है, क्या जरूरत थी उनके बीच में पड़ने की? वो क्या है कि जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, बीच बचाव के लिए चला ही जाता हूँ। और वो कोई और नहीं है, हमारा रिश्तेदार है। वैसे हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसका साथ दो। मेरी प्यारी बीवी, गुंडों को देखकर मैं भाग जाऊं, ऐसी शिक्षा मुझे नहीं दी गई है। ओह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब थोड़ी देर मेरे पास तो रुको, दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अपना परिवार बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं। देखो आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अरे आज यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है, बच्चों को मैंने बहुत प्यार से सुला दिया है। जानती हो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था अपनी बाहों में भरने के लिए। जो काम हो नहीं सकता उसके बारे में सोचकर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? जब तक तुम नहीं मानोगी मैं मनाता ही रहूंगा। आज तुम्हारा दिन है, मैं जानता हूँ, एक दिन तो मेरा आएगा ही। वैसे आज शाम को ही मैं तुम्हें मना लूंगा, मुझे विश्वास है। तुम यहाँ ऊपर बैठकर तमाशा देख रहे हो, चलो नीचे आओ। और ये बताओ कि आज तुम दोनों किस ख्याल में डूबे हो, बताओ क्या बात है? पता नहीं, यही तो मुश्किल है। आओ, हर एक फिल्म में हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और आज जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो मेहनत के फल के बारे में है। टाइम हो गया। उस फिल्म में ये है कि अनजान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिल्म में जो भी अच्छाई है वो तुम्हें सीखनी है, इसीलिए पापा तुम लोगों को अच्छी फिल्म देखने भेज रहे हैं। तो पापा आप और मम्मी क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कभी फिल्म नहीं देखते हैं, सारे अच्छे गुण तुम्हारे पापा पहले ही सीख चुके हैं। तुम्हारे पापा ने तो उसमें डिग्री की है। कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है। अरे चुप। पापा हम जाए। हाँ तो बच्चों अब तुम लोग जाओ, मम्मी पापा को कुछ और सीखना है। पापा आप कुछ करने वाले हैं, इसीलिए हमें भेज रहे हैं, मैं जानता हूँ।
अरे चल भाग। देखो बच्चों को संभाल कर ले जाना, अब जाओ। क्या बात है कार्तनी, तुम लोग यहाँ इस वक्त? अब मैं क्या बताऊँ, 2 घंटे इंतजार किया, वो जल्दी नहीं आएंगे ऐसा लगता है, शायद कहीं फंस गए हैं। बच्चों ने जिद की, चलो हम आपके यहाँ टीवी पर फिल्म देखेंगे। आओ बच्चों, ये तुम्हारे अंकल का ही घर है, शर्माने की क्या जरूरत। बताओ कौन सी फिल्म देखनी है। कुंजीराम क्यों नहीं आया कार्तनी? पता नहीं वो कहाँ पीकर पड़ा है, शाम को आएगा लुढ़कते लुढ़कते। हम उसका इंतजार क्यों करें, गुस्सा तो उसके नाक पर रहता है, छोटी सी बात के लिए हाथ उठाने लगता है। आ जाओ बच्चों। अब अगर कुंजीराम आ जाता तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर फिल्म देख लेते, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। उनका छोड़ो, हम लोग तो फिल्म देखकर ही जाएंगे। तो तुम बच्चों के साथ अकेले फिल्म देखोगी? हाँ। वो टीवी जरा चालू कर दे दो, फिल्म देखने आए ये लोग। जो किस्मत में नहीं है वो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिलता। सही कहती हो, तुमने टोकरी अच्छी बनाई है। हाँ लग तो रही है। नमस्कार। अरे वाह कुटप्पा जी, आज क्या रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए? एक नए काम के सिलसिले में इधर आया हूँ। अच्छा ये बताओ, पुराने हिसाब किताब के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारे पूर्वज तो चले गए लेकिन कर्जा वैसा ही है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम जितना मांग रहे हो उतना देने की ताकत मुझ में नहीं है। हाँ असल मांगोगे तो मैं कुछ करूंगा। मुझे चाहिए 500 सुपारी के पेड़, कर्जा पटने के बाद लौटा दूंगा। जब पूछता हूँ यही जवाब देते हो। सुना है कांग्रेस, केरला कांग्रेस के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगे हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मणि सर और मुंजन सर से बस ऐसे ही कुछ बात हो रही थी। आए हो तो पैसों की बात करो, मैं पार्टी को नहीं दूंगा। तुम आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगे, वो मुझसे पैसा मांगने आए थे, 3 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए। तुम जरा समझदारी से बात करो मिस्टर जॉय, तुम पीछे की तरफ जा रहे हो। हर कोई झंडा लेकर आगे बढ़ने की बात करता है और हर सिपाही जंग में दुश्मनों को हरा कर जीत हासिल करना चाहता है। ये राजनीति की जुबानी जंग है। तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे चाचा ने पार्टी के लिए क्या क्या किया है पता है? नहीं। फिर तुमने क्या सुना है? मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर EMS, AKG और मेनन जी मुझे राजनीति में ले जाना चाहते हैं। वो नामी गिरामी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी राजनीति में घसीटना चाहते हैं। पहले के राजनेता लोग सच में बहुत मेहनती हुआ करते थे। एक बार ब्रिज का काम शुरू करवाने के लिए वो लोग मुझे भी मोर्चा में लेकर गए थे। वहां पर क्या क्या भाषणबाजी हुई थी, इंसानों का दिल कैसे जीता जाता है कोई उनसे सीखे। उनका एक एक शब्द सीधा छाती पर आकर लगता था। कुंजाली का भाषण तो मुझे अच्छी तरह से याद है। वैसे उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है कुटप्पा जी? वो मेरे करीबी दोस्त हैं। उनके साथ कई मोर्चों पर मैं शामिल हुआ हूँ, सब याद है मुझे। मैं एक सच्चा राजनेता बनने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकता हूँ, तुम्हारे खिलाफ भी। सब बुजुर्गों की देन है। क्या कहा? I told you no baby, मैं जानता था कि तुम वहां रुक नहीं सकोगी, इसीलिए तो लौट के आ रही हो। मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा सुनो, वहां से निकलते समय मुझे फोन करना मत भूलना, ठीक है? ओके ओके। ये मेरा एक बड़ा सपना है और फिर उनके साथ पहले मैं, लेकिन मिनिस्टर साहब ने आपको यहाँ बुला लिया। वकील साहब देखिए, मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और आप एक पार्टी के वकील हैं। दोनों में बहस होना तो स्वाभाविक है। आप ज्यादा सोचिए मत, समय आने पे आपको पेपर मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। तो वकील साहब, कोर्ट का टाइम हो रहा है, अब आप जाइए। सुनिए, आगे मुझे वकीलों की मदद चाहिए होगी, जरूरत पड़ने पे मैं आपको बोलूंगा, मैटर क्या है तभी बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि दिल्ली वालों का लफड़ा है। चलता हूँ। मैं दिल्ली का नाम सिर्फ पेपर में ही पढ़ता रहता हूँ,
रिपब्लिक डे के दिन परेड और भाषण हर साल मैं टीवी पर ही देखता हूँ। वो सब देखकर मेरा दिल भर चुका है। अब मदद मांगने वालों की कोई कमी है क्या? ये राजनीति यूनियन के लफड़ों में सर खफाने का क्या मतलब? अच्छा अब एक बात तुम ही बता दो, गरीबों का कौन साथ देता है? क्या बात है जॉय, आज दिल्ली के अगेंस्ट बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है एनसी, मेरा एक दोस्त मुझसे मिला था, वो दिल्ली के किसी लफड़े के बारे में बोल रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये बेकार के राजनीति के लफड़े में मैं क्यों पढूं? यहाँ पर जो गरीब हैं, उनकी समस्या सुनकर उसे ही दूर करना मुझसे नहीं हो पाता है। राजनीति मेरी समझ से परे है। और कितना काम बचा है चाको? बस थोड़ा और बचा है। हाँ दो दिन से बंद था इसीलिए काम रह गया, माल भी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा तो तुम यहाँ हो? आओ आओ वकील। हाँ क्या बात है वकील साहब, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? तेरी पार्टी का कोई लफड़ा है क्या, या फिर तेरे केस के बारे में कोई झूठा गवाह चाहिए? जो भी बातें खुलकर बता, मामला जरा सीरियस है। हाँ। इधर आओ। देखो जॉय, मुझे तुम्हारे घर में एक आदमी को, मतलब दो लोगों को छुपाना है। क्या कहा, मेरे घर में तुम्हें किसी को छुपाना? ये तो क्या कह रहा है सनी? मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, वो जरूर कोई खूनी या आतंकवादी होगा जॉय। अरे मैं फंस जाऊंगा ना, देख मैं एनसी और अपने बच्चों के साथ आराम से जी रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर। अरे जॉय चुप रहो ना तुम, वो कोई मर्डरर या आतंकवादी नहीं है, एक लड़का और एक लड़की है। लड़का और लड़की? हाँ हाँ, प्रेमी और प्रेमिका। प्रेमी प्रेमिका है? भाई प्रेमी और प्रेमिका के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, वो जब भागते हैं और जो उन्हें छुपा कर रखता है उनका साथ देता है, मुसीबत का फंदा उसके गले में पड़ता है। प्यार के चक्कर में घर से भागकर सुसाइड करने वाले किस्से मैंने बहुत सुने हैं, इज्जत से उनके घर वालों को बताकर उनका घर बसाने में ही भलाई है। वैसे सच कहूं तो आज तक किसी प्रेमी प्रेमिका को अपनी जिंदगी में फेस टू फेस में नहीं देख पाया। हाँ कहानी नॉवेल में मैं पढ़ता ही रहता हूँ, और कभी कभी किसी फिल्म में भी मैंने ऐसी कहानी देखी है, लेकिन फेस टू फेस कभी नहीं देखा। ऐसी खुली हवा में ही हमारी शादी होगी। क्या कहा? फिर हम एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे और खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? अरे उसके बाद मेरी जान वही होगा जो दुनिया में होता आया है। जाए, इस संसार में प्यार से बढ़कर क्या है? वो अपने घर वालों से छुपकर भागता है सिर्फ उसी के लिए, जैसा कि तुम्हें अपने एनसी से है और मुझे अपने घर वाली से है, बिल्कुल वैसा ही उन लोगों का भी। तो मैं क्या करूं? तुझे पता है ना, एनसी से शादी होने के बाद मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर भी नहीं उठाई। हाँ घर में काम करने वाली के साथ जरा हंसी मजाक कर लेता हूँ, लेकिन जब एनसी का प्यार मेरे सामने आता है तो मैं वो हंसी मजाक भी बंद कर देता हूँ। उन दोनों का इंतजाम तुम कहीं और कर दो। सच कहो तो मैं भी इस तरह के लफड़े में कभी भी नहीं पड़ा, और पढ़ाई के समय में हमारे पास कभी इतना समय ही कहाँ था। मैंने भी पहली बार तुम्हारी और एनसी की मुलाकात ही देखी। सही कहा तुमने, मैं और एनसी बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए हमने शादी की। प्यार के बारे में शादी से पहले मैंने एक शब्द भी उससे नहीं कहा था। मैंने तो सुना है कि प्रेमी प्रेमिका दिन रात एक दूसरे से चिपके रहते हैं और प्यार करते हैं। हमारी किस्मत में वो दिन कहाँ आया। हाँ घास के खेत में बचपन में पकड़ा पकड़ी खेलते समय एक दूसरे से लिपटा झिपटी कर लेते थे। काश हमें भी ऐसा प्यार मिला होता। जो गया वो गया। अच्छा जो भाग कर आए हैं उनका इंतजाम किसी होटल में क्यों नहीं कर देते हैं, कैसा रहेगा? सही है ना? देख मेरी बात मान, ये सबके लिए अच्छा होगा। मैं किसी अजनबी को अपने घर में ठहराकर मुसीबत लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ सनी। अरे मैं तो ऐसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। राम जी के भक्त, आंटी की लड़की उनेजा के चक्कर में पड़े थे तो 5,000 दिया था उसे जान छुड़ाने के लिए। बहुत बड़े महात्मा बन रहे। अच्छा ठीक है कुछ करते हैं, आजा। उन्होंने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, देख मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वो मुझ पर छोड़ दो, वो दोनों वैसे बिल्कुल ही नहीं है, ये बात अब मेरी इज्जत पे बनाई है। मैं दोनों से मिलकर साफ साफ बातें करके फिर यहाँ से लेकर जाऊंगा। ओहो वकील होकर तुमने अभी तक ये काम नहीं किया? तहकीकात जरूरत पड़ने पर की जाती है भाई। मैं इस काम में सिर्फ इसीलिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेनन के पास जो मेरी केस की फाइल है, उस लॉ सेक्रेटरी योहानन सर ने क्या पॉइंट रखे ये मुझे जानना है, क्योंकि वो उस प्रेमिका का पिता है और इसीलिए ये काम मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले मुझसे काम के लिए कहा था, मुझे लगता है ये वही काम है। वैसे तू उन दोनों को अपने घर में क्यों नहीं रख लेता? तुम्हें पता है ना जॉय, मेरी घरवाली की आदत क्या है, 10 किताबें पढ़कर थक जाएगा लेकिन उसकी जुबान कभी नहीं थकेगी, समझा? ये बात भी सही है। मेरे हिसाब से इसमें दो बातें हैं, पहली तुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सच्चाई जाननी है क्योंकि तुझे उससे काम निकालना है,
और दूसरी इसी काम के बहाने हम उस प्रेमी प्रेमिका से फेस टू फेस मिल भी लेंगे। तू फिक्र मत कर, किसी ना किसी तरह हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कल कोई बात हमारी इज्जत पर नहीं आनी चाहिए। वो मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगा। एनसी भाभी को मैं समझा दूंगा। इस बार बहुत दिनों बाद तू अपने घर जा रही है, आराम से दो चार दिन रहकर ही आना। ये बिल्कुल नया है, हनी इसे नहीं पहनती, तू इसे अपनी बेटी को दे देना। मैं अभी जाना नहीं चाहती। तू ऐसा क्यों कह रही है? कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाना चाहिए क्या? और तुझे वहाँ से वापस कब आना है ये मैं फोन करके बता दूंगी, ठीक है? मैं जब जाना चाहती थी तब आप मुझे छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ? सच बताओ क्या हुआ है दीदी? ऐसी कोई बात नहीं है, तू बेकार में सवाल करके दिमाग खराब कर रही है। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं। चल अब देर मत कर और रास्ते में संभल कर जाना, ठीक है? मैं फोन करके बुला लूंगी तुझे। मैंने चाको को बोल दिया है, वो तुझे छोड़ देगा। तुम कहाँ जा रही हो? दीदी ने कहा कुछ दिन घर जाकर आओ। वाह एनसी, तुमने तो आश्चर्य वाला काम कर दिया। अरे तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें समझा बुझा कर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इतनी ना समझूं क्या? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बिल्कुल हम जैसे ही हैं। उन्हें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। जॉय, अब आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? फूलो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते ही होंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे घर की कोई चीज उन्हें पसंद ना आए। आप इतने अफसोस में क्यों बैठे हैं जॉय? सनी भाई साहब जरूर किसी काम में फंस गए होंगे, इसीलिए आने में देर हुई होगी। बच्चे सो गए क्या एनसी? हाँ, वैसे अभी अभी तो उन्हें सुलह कर ही आई हूँ। चलो अच्छा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बच्चों को कैसे समझाऊंगा, उनके मुँह से कहीं कोई गलत बात ना निकल जाए, इसी का डर है। जॉय, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसे बैठ कर वक्त जाया करने से अच्छा खाना खाकर आराम कर लीजिए। हाँ ये बात भी तुम सही कह रही हो। अच्छा मान लो कि हम लोगों के सोने के बाद उन प्रेमी प्रेमिका को लेकर सनी यहाँ पर आ गया तो फिर उसे कुछ शक होगा कि नहीं, बताओ? तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो? अब देखो ना उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आज वो नहीं आने वाले। तुम अपनी जिद अपने ही पास रखो एनसी, मेरी प्यारी बीवी अभी सोने का वक्त नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास आकर बैठो। मैं वहां बैठती हूं। अच्छा एनसी ये सच है ना, प्रेमी प्रेमिका यहाँ आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए, हम दोनों का दिल एक जैसा ही बेचैन है ना? आप ही कितने अजीब हैं सच में। मेरे लिए तो ये रात भी और रातों जैसी ही है, शायद आपका दिल ही बेचैन हो रहा होगा। वो सब तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ आज तक कोई इस तरह आया नहीं, शायद इसीलिए हो सकता है हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ये जुगनू की चमक बता रही है कि प्रेमी प्रेमिका यहाँ आने वाले हैं। जॉय आप फिर से शुरू हो गए, अगर बच्चे बाहर आ गए क्यों? हम बुड्ढे हो गए क्या? अरे उनके आने तक हम भी प्रेमी प्रेमिका बनकर एक दूसरे से मस्ती कर लेते हैं। एनी कम। ये वही दोनों हैं, ये श्याम कुट्टी। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते नमस्ते। और वो है एनी। हेलो अंकल। हेलो एनी। बैग अंदर रख दो। अच्छा, कोई आ जाए इससे पहले इन्हें अंदर लेकर जाओ, मेरी वाइफ है एनसी। हाय। आओ ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। नहीं वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, जरा इन दोनों का ठीक से ख्याल रखना है। लड़के का बाप मुक्का के साथ इन दोनों को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, इसलिए तुम्हें जरा ध्यान रखना होगा, ठीक है? देखना कि कहीं कोई बात ना हो जाए। अरे ये तो जान पर बनाने वाली बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है ना?
ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, तुम उन्हें लेकर जाओ। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम, कैसे भी करके इसे मैनेज कर लो यार, प्लीज। सिर्फ दो दिन की बात है, उसके बाद मैं इनका इंतजाम कहीं और कर दूंगा। मतलब ऐसे बुरे वक्त में अरे मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगा? अच्छा वो तुम्हारे चाचा जी की बंदूक कहाँ है? मुझे ये तक नहीं पता उसमें गोली कैसे डालते हैं। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आए तो बस तान के खड़े हो जाना, इतना ही करना है। अच्छे अच्छे लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। तुम उस बंदूक को साफ करके रखो, आगे का प्रोग्राम मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं हम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। हम दोनों को आप ऐसे प्रेमी और प्रेमिका की तरह मत देखिए, भगवान के भेजे हुए हम दोनों तो तीर्थ यात्री है और कुछ नहीं। I am correct, Annie? या, a pilgrimage to discover God, the Almighty. तो फिर शादी? हम तो गॉड के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, और शादी की बात करें तो जब होगी तब होगी। We are waiting for the call of God. उसे पूरा करने के लिए हम अपने दिल को ओपन रखते हैं every time. दीदी, I was born and brought up in Delhi. मेरे पेरेंट्स वही रहते हैं। हिंदी भाषा मुझे पूरी तरह समझ में आती है, थोड़ी बहुत हिंदी मैं बोल भी लेती हूँ। बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट। फीलिंग्स वगैरह वो तो ठीक है, पर उन्हें एक्सप्रेस करने में मुझे डिफिकल्टी होती है। सो सैम मुझे हर बात समझा देता है। श्याम डार्लिंग, प्लीज अब तुम दीदी को समझाओ। श्योर एनी। एनी क्या कहना चाहती है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दीदी, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। All of us very broad and borderless, as broad as the universe. And it's nothing reduced to the limit of mere marriage. जैसे हमारा दिल बड़ा है वैसे ही सारी दुनिया का दिल भी बड़ा ही है, इसलिए इतनी सारी मुसीबतें आ रही है। इस दुनिया में जिंदगी को सिर्फ शादी ब्याह तक सीमित रखने वाली चीज नहीं है। We only refugees of the love. हम लोग दोस्ती में अपनी जान निछावर करने वालों में से हैं। We are romance gypsies. हम लोग परिंदे की तरह हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। Just wanting this endless journey. It may be a spiritual exploration to the world of absolute love. और एन एडवेंचरस स्पिरिचुअल वॉयज। हम कहीं भी भटकेंगे, हमारा ये सफर सच्चे प्यार मिलने वाले दिशा की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, और हम इसे जरूर हासिल करेंगे, वरना हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है उस वकील ने इन्हें अच्छी तरह पाठ पढ़ा कर भेजा है। जॉय भैया, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? नो नथिंग। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ओके। वो तो बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। एक छोटी सी भी गलती हमारे खिलाफ उनके दिल में शक पैदा कर सकती है। ऐसा क्यों कर रहे थे आप? एक इंसान के साथ इंसान की तरह बात करना नहीं आता आपको? अब मैं भी वही सोच रहा था, बस मुंह से यूं ही निकल गया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है एनसी। एनसी, ये लोग कोई मामूली जोड़ी नहीं है, एक प्रेमी और प्रेमिका है। प्रेमी प्रेमिका की कहानियाँ बहुत अजीब होती है ना? वो मैं भी जानती हूँ। रब कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त आप मुझे बस एक बात बताइए कि आप इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे कैसे? कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे आप? वो क्या है एनसी, सनी से मिलकर मुझे बात करनी होगी। अच्छा आप तुम ही बताओ हम क्या करें, मुसीबत तो गले आ ही गई है। अभी कुछ मत कीजिए, बस ये रात किसी तरह निकल जाए, सुबह बच्चे स्कूल चले जाए, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? ये कौन? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा सुनिए जी, एक बात बताइए, अगर वो दोनों रात को एक ही बिस्तर पर सोए तो? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। उन्हें जो करना है करने देते हैं, साथ में सोना है सोने दीजिए, आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ से जाना ही है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ ये बात भी सही है, अगर उनकी सुहागरात हमारे घर से ही शुरू होनी है तो फिर हो जाने दो, क्या बोलती हो? वो कैसे, शादी से पहले ये सब करने के लिए उनका दिल मानेगा क्या? फिलहाल के लिए उन्हें एक कमरे में छोड़ देते हैं, और आगे हमें क्या करना है ये सब कल सोचेंगे। हाँ ठीक है। So beautiful and marvelous. It's a gift of God for us and for an eternal love. Come, come, Shyam darling.
हाँ? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? छोड़िए, मैं करती हूँ। हटिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है यार। आप ये रस्सी क्यों खोल रहे हैं? मुझे भरोसा नहीं है, इस कमरे में प्रेमी प्रेमिका सोने वाले हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे ये प्रेमी प्रेमिका कभी भी खुदकुशी करने के बारे में एक बार भी सोचे। कब उनका दिल बदल जाए, कब वो क्या कर बैठे, ये कौन जानता है। आपके दिल में हमेशा शक रहता है। ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर प्यार करने वाला जोड़ा आखिर में खुदकुशी करे। एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में तुम क्या जानती हो? मैं सोच समझ कर ही ये सब कर रहा हूँ, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जानती हो, शहद में भी जहर हो सकता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे आने से बहुत पहले यहाँ एक लड़का लड़की रहते थे, लेकिन कभी उन दोनों को एक साथ आते जाते नहीं देखा गया। एक बार हमारी उत्तर दिशा की ओर कोई फांसी लगाकर मर गया, ये सुनकर उसे देखने के लिए एक वर्कर गया जो हमेशा माथे पर एक लाइट लगाकर रखता था। जब वो लौट रहा था, उसके सर पर कुछ लगा। उसने सर उठाकर देखा तो देखा कि दो लाशें वहां लटक रही थी। वो घबरा कर वहां से भागा। उसके बाद वो आदमी कहां गया ये किसी को नहीं पता। लगता है घबराहट के मारे उसने इस गांव को ही छोड़ दिया होगा। आज भी उनकी कहानी सुनने को मिलती है। इसे मैं सुबह फिर बांधूंगा। सुबह 8 बजे तो मुझे जगा देना, दूध वाले के आने से पहले मैं जागना चाहता हूँ। वैसे बच्चों को भी संभालना है। अब तुम लोग जाकर सो जाओ, इस तरह बाहर घूमना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा तो। कम शाम डार्लिंग। थैंक यू अंकल। अरे ये क्या दीदी, एनी कह रही है ऐसे खिड़की और दरवाजा खुला रखकर जुगनू को देखना ठीक नहीं है। हाँ, जब तक तुम लोग यहाँ पर हो, इस खिड़की दरवाजे को बंद रखने में ही तुम लोगों की भलाई है। हम लोग गॉड के सेवक हैं जॉय भैया। तुम्हारे पिता, दादा, तुम्हारे पूर्वज भी गॉड के ही भक्त थे और हैं। गॉड के बारे में ऐसी बातें मत करो जॉय भैया, हमें बहुत दुख होता है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बस यूं ही। देखो तुम लोग सफर से थक गए होगे, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। बंदूक लेकर कहां जा रहे हैं जो? अब इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये मेरे चाचा की बंदूक है। इस बंदूक से वो जवानी में बहुत शिकार करते थे। अब इसे मैं प्रेमी प्रेमिका की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वैसे तो यहाँ कोई आने वाला नहीं है, लेकिन आया तो देख लेंगे। आपको याद है दिल्ली में छोटे चाचा के रिश्तेदार हैं, क्यों ना उन्हें सारी बातें बता दें। पहले हम इन दोनों को ठीक से पहचान तो लें, वरना हम कुछ और कहेंगे और ये कुछ और कहेंगे, तब कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे जवान बच्चे क्या हैं? मतलब जवान बच्चे हैं? आप जवान नहीं हैं क्या? आपका मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? ये सब कहकर आप जताना क्या चाहते हैं? तुम ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान क्यों हो जाती हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, अब छोड़ो, मुझे माफ कर दो। और अब तुम मेरी बाहों में आ जाओ, हम दोनों भी प्रेमी प्रेमिका बनकर जवानी के उस दौर में जाकर देखते हैं। शुरू हो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। इस वक्त वो दोनों क्या कर रहे होंगे, जरा सोच कर तो देखो। मुझे इस बारे में सोचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्यों सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं? रात बहुत हो गई, सो जाइए।
ये क्या हो रहा है एनसी? अगर आस पड़ोसियों ने सुन लिया तो ये दौर शोर में लिपटा गिरा है, अजब सा समा असमंजस भरा, धुंधला सा है खुलवत है ये कैसा, है अजब सा समा असमंजस भरा, धुंधला सा है खुलवत है ये कैसा। अब क्या हुआ है, जग जो हुआ है, हर इंसान है माजवा बेचैनी का, खुद से जुदा सा बेहद जुड़ा सा, दौर शोर में लपटा गिरा। ये दौर शोर में लिपटा गिरा।
डैड, हाउ सरप्राइजिंग, कब आए आप? अंदर आओ, इतनी रात गए इस तरह घूमना अच्छी बात नहीं है। लेक्चर नहीं डैडी, प्लीज, इट्स बोरिंग। इससे पहले मैं आपसे इजाजत ले चुकी हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बताइए आप। एनी, इट्स नॉट गुड, प्लीज वेट। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, डोंट बी सो इंटॉलरेबल। ओह गॉड, मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं गया, मैंने कभी किसी काम के लिए तुम्हें टोका भी नहीं। तुम जहाँ तक चाहती थी मैंने तुम्हें पढ़ाया, अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ कर तुम यहीं रुक गई, उससे भी मुझे खुशी हुई। अपनी जिंदगी के बारे में तुमने एक अच्छा कदम उठाया, यही सोचकर मैंने दिल्ली का अपना सब कुछ बेचकर मैं अपने गांव गया, लेकिन वहां पर जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं वो सुनकर डैडी मैं प्लीज आई एम गेटिंग ओल्ड एनी, आई विश टू स्पेंड माई आफ्टर ईयर्स इन पीस। बेटा मेरा कहा मान लो, सब कुछ भुलाकर तुम अपना मन गॉड में लगाओगी तो अच्छा रहेगा। I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. बचपन से ही मेरी एक इच्छा है कि मैं धर्म के रीति और रिवाज के साथ गाना गाते हुए अपनी शादी करना चाहता हूँ। I don't believe in marriage. ये मेरा फैसला है, पर फिर भी तुम्हारे साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ श्याम डार्लिंग। एंड आई लव यू वेरी मच श्याम डार्लिंग, आई विश टू शेयर माई लव एंड लाइफ विथ यू बिकॉज यू आर अ वेरी गुड सिंगर एंड डांसर। तुम्हारे गाने और डांस को मैं बहुत पसंद करती हूँ डार्लिंग। सिंगिंग और डांसिंग मेरा पैशन है, म्यूजिक एंड डांस, एक्चुअली मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। ओके, रजनीश के आश्रम में जाकर मैं ये प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। डांसिंग एंड सिंगिंग वहाँ पर रेगुलर होता है, आई लाइक दैट वेरी मच। बेसिकली वी बोथ आर सेम। हाँ, मैं जानती हूँ कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। सो श्याम डार्लिंग, आई इन्वाइट यू टू क्रिएट एन अनमैरिड एडवेंचरस फैमिली। यू मीन बिना शादी किए एक साथ रहे? लेकिन बिना शादी के एक साथ कैसे रह सकते हैं? सिर्फ एडवेंचर के लिए? यस। आई कांट एनी, आई कांट। ये मेरे आत्मा का सवाल है, कॉल ऑफ माय सोल। रीति रिवाज के मुताबिक पवित्र गाना गाकर प्रेयर के साथ शादी जरूरी है। श्याम डार्लिंग, एनी, मैं तुम्हारे लिए सच्चे मन से प्रे कर रहा था। सच में गॉड तुम्हारे दिल में बदलाव लाएगा, इस पर मुझे बहुत यकीन है। डोंट वरी श्याम डार्लिंग, गॉड सबकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने दिल को हमेशा ओपन रखते हैं श्याम डार्लिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी इज्जत आजकल गलियों में चर्चा का विषय बन गई। श्याम कुट्टी आजकल किसी अनजान जगह पे छुप के बैठा है। पता चला कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया। उसके परिवार को तो कोई परवाह नहीं, वो सारे परंपरा को भूल गए। लेकिन मेरी माँ कहती थी कभी कभी धर्म का दोष औलाद पर आता है। क्या भैया, बच्चों की गलती है तो आप भाभी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से उस लड़की ने उसे फंसाया होगा। इतने लोगों से मैंने पूछा, सबके मुंह से एक ही बात निकली, उसके जैसे होनहार लड़के कोई एक क्या दस लड़कियां लेकर भाग जाएंगे। लड़की बदसूरत नहीं होगी, जो भी लड़की होगी बिल्कुल हीरे जैसी होगी, कृष्टि ने मुझे बताया। चुप, जरूरत है तो तू उससे शादी कर लेना। हीरे जैसी लड़की, मैं इस बच्ची को चुनकर लाया, उसके पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। मुझे भी सुनने में आया कि वो दिल्ली वाली लड़की है, धोखेबाज लड़की, और हमारा नालायक दिल्ली के होटलों में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ऐसा करना किसी ऊंचे खानदान वालों का स्वभाव नहीं है। कल से उसे ढूंढने जाने का इंतजाम शुरू करो, अभी से कर दो। उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो उसे शादी करके यहाँ लेकर आएगा वो। अच्छा। और मेरे माथे पे कलंक लगा देगा वो।
फिर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए जल्दी ढूंढो उसे। हेलो हेलो मेरे घर वाले मुझे पकड़ने के लिए कल घर से निकल चुके हैं। ये खबर मुझे एक अनजान आदमी ने फोन पर दी है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। दिल्ली में मेरे पहचान के बहुत लोग हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। एनी, किसी की मदद के बिना हम दोनों कहीं और भाग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रनिंग अवे, रियली? या, रनिंग अवे। माय लॉर्ड, सरप्राइजिंग, द रियल एडवेंचर बिगिंस। शाम डार्लिंग, वेयर आर वी गोइंग? वेयर इज द फाइनल डेस्टिनेशन? आई डोंट नो, बस चलते चले जाएंगे। एनीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई डोंट केयर। खुशी के साथ जहाँ चलना है वहाँ ले चलो। एनी, क्या कर रही हो? बैठ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाप और भाइयों को धोखा दिया नालायक ने। मुझसे कब तक भागेगा वो? पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका, आखिरी छोर तक। ए क्रिस्टी, चल गाड़ी निकाल, हम लोग उसके मास्टर से जाकर मिलते हैं, वहां हमें कुछ तो पता चलेगा ही। चलो। ऐसा क्या काम पड़ गया जो अचानक से आ गए? और तुम्हारे लड़के के बारे में क्या सुन रहा हूँ? अगर उसके बारे में बात करने आए तो एक कंप्लेंट लिख के दे दो, बाकी सब मैं संभालूंगा। पुलिस वाले तो अपने घर के ही हैं समझो, ये बात तो अपने घर की इज्जत की बात हो गई समझो। हैं? वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि वो कहीं गांव तो नहीं चला गया है। वो सब पता चल जाएगा, पहले कंप्लेंट लिख के तो दो। अच्छा, आपकी बातों पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर लूँ ना? अरे भाई, तुम मेरे काम के बारे में कोई शक मत करो, निश्चिंत रहो। राजनीति में हूँ इसलिए मैं अभी यहीं पे मर रहा हूँ, नहीं तो जन सेवा ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। श्यामकुट्टी के घर वाले लड़की के घर तक पहुँच गए, और ये भी सुना है कि उन लोगों ने उसके घर पर बहुत हंगामा भी किया है, बहुत टेंशन बढ़ गई है। ये बात मैंने पुलिस वालों को बताई तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या, उसके बाद जब मैं घर लौटा तो ये दोनों मेरे घर पे ही थे। सारी बातें उन्हें समझाने के बाद मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर ने उस लड़का और लड़की से कहा था कि तुम सीधा जाकर सन्नी वकील से मिलो, वो सारा का सारा इंतजाम कर देगा। एक बिना शादी का जोड़ा, एक लड़का एक लड़की, उनका इस तरह से निकल जाना, फिर आगे उनके साथ जो होगा उसका क्या? हाँ, अब यहाँ तक मेरा साथ देकर तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अब उन दोनों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जो मुझे फाइल लेनी है, वही फाइल इंस्पेक्टर के टेबल पर भी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, अब तू ज्यादा मत सोच, मैं तेरे साथ हूँ ना। वो लड़का लड़की किस तरह से भाग कर आए और कैसे तुम तक पहुंचे, ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया। अभी हमें बस उन दोनों का साथ देना है, आगे जो होगा वो देखेंगे, तू चिंता मत कर। अभी सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है, तू यहां से निकल, वरना अगर बच्चे जाग गए तो तुझसे 10 सवाल पूछेंगे। ठीक है? तुम पर मुझे पूरा भरोसा है भाई। If the spirit of the Lord is in my soul, like David the sinner I will pray. If the spirit of the Lord is in my soul, like David the sinner I will pray. I will pray, I will pray, like David the sinner I will pray. I will pray, I will pray. गुड मॉर्निंग अंकल। प्रेज द लॉर्ड भैया। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। पापा, तुम लोग इतनी जल्दी उठकर यहाँ कैसे आ गए? जानते हो ये कौन है? दिल्ली से आए हुए आपके फ्रेंड्स हैं, हमें सब मालूम है। तो तुम लोगों को सब पता चल गया। चलो अभी तुम लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है, घर में बैठकर बताएंगे पापा। तुम्हारे सर पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आवाज थोड़ी कम करो। अब दरवाजा बंद कर लो। दिल्ली में मेरी एक मुंह बोली बहन रहती है, ये दोनों उनके ही फ्रेंड हैं।
उस आंटी से वो अंकल शादी करने वाले हैं। उस आंटी को भी श्याम कुट्टी पसंद है, लेकिन बीच में एक अड़चन है, कोई बड़ी अड़चन नहीं है। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? ये दोनों अपनी मर्जी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई उन दोनों की शादी होने के बाद ही खत्म होगी। इसीलिए ये लोग अपने घर वालों से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। हाय डेंट्री। हाँ माय गुड गर्ल। इस खेल में वो लोग जीत गए तो इनकी शादी भी हो जाएगी और इन्हें एक बड़ी गाड़ी भी मिलेगी, और अगर हार गए तो शादी भी नहीं और साथ में गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो फिर हमें इनका साथ देना है कि नहीं? देना है। इसीलिए उन्हें जिताने के लिए वो दोनों यहाँ ठहरे, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगी। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, पापा के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। पापा के सर की कसम हम किसी को नहीं बताएंगे। अंकल क्या है, स्कूल जाने का समय हो गया क्या? हाँ। आपको ना एक बात बतानी है। क्या बात? चलो हमारे साथ बताते हैं। अच्छा कोई खास बात है क्या? जल्दी बताओ। हाँ बोलो। वो देखिए चिड़िया का घोंसला, उसमें अंडा होगा ना? उसमें छेद हुआ है, अंडा नीचे गिर गया तो फूट जाएगा, उसे जल्दी ठीक करो ना। अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। सुनो बच्चों, कम हियर। आज मालिक को क्या हो गया? जोय साहब। हाँ। आज आपकी आवाज कुछ बदली हुई सी क्यों लग रही है? किसकी आवाज थी? तेरे बाप की चाको कुट्टी। तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? यहाँ ऐसा कौन है जो मुझे नहीं पता? मुझे कुछ शक हुआ इसलिए पूछा, आप तो गुस्सा ही होने लगे। तू इधर उधर भटकना छोड़ और जाकर बगीचे में काम देख। जी। वो इनके रिश्तेदार है क्या पापा? तुम लोग चुपचाप बैठे रहो। चाको। हाँ। आया भैया, क्या बात है? अरे तुझे एक काम सौंपना था, मैं भूल गया, तुझे अर्जेंट कोयम्बतूर जाना है। एनसी। तुम्हें वहाँ पैसों के मामले वाला पेपर सही करवाना है, ये मैटर कई दिनों से अटका हुआ है, अगर दो चार दिन रुकना पड़े तो रुक जाना, अगर यहाँ कुछ अर्जेंट काम आया तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। लेकिन जो साहब वो कोयम्बतूर का मैटर। बहस मत कर, जितना कहता हूँ उतना कर। एनसी मैं चाको को अभी कोयम्बतूर भेज रहा हूँ उन पैसों के मैटर के काम के लिए, उसे खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए वो दे दो। ठीक है? टाटा मम्मी बाय। दीदी दीदी उस रूम के अंदर से कैसी आवाजें आ रही थी, कुछ खुशबू भी आ रही थी, कौन है अंदर? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आई। अच्छा जाओ और जाने की तैयारी करो, मैं जाकर सारे पेपर और खर्चे के पैसे ले आती हूँ। तो फिर यहाँ कार को कौन संभालेगा? तुम कार की फिक्र मत करो, दो दिन कार नहीं धुलेगी तो क्या हो जाएगा चाको भैया? ये चर्च जब से बना है तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें इतना उदास तो नहीं देखा। दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि तू इतना उदास है, ऐसी क्या फत आ गई, बोल ना। आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सर के ऊपर मंडराने लगती है। समझ सकता हूँ मैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तेरे मन की शांति फिर से लौट आए, और यही मेरा पहला फर्ज भी होगा, ठीक है ना? कन्फेस करना मन की शुद्धि का एक अच्छा जरिया है, पापों से मुक्त होकर अपने आप को शुद्ध करने से बढ़कर और क्या है। अब अरे ये सनी भी है ना। हेलो क्या बात है सनी? मैं यहाँ पर कॉन्फेस कर रहा हूँ सनी, वो खत्म होते ही मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं तुम्हें फोन करूंगा, यहाँ हमारे एंथोनी फादर वेट कर रहे हैं मेरा कॉन्फेस करवाने के लिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है फोन रख। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी कन्फेस करो, मुझे और भी काम है। हाँ ठीक है ठीक है। फादर। हाँ? मैंने अपने घर में दो लोगों को छुपा कर रखा है। क्या? सच में फादर, लेकिन वो लोग कोई चोरी या खूनी नहीं है, एक लड़का और लड़की है, वो दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। ये खून से बड़ा जुर्म किया है तुमने, उसके परिवार वाले यहाँ तक ढूंढने आए थे, तकलीफ में नजर आ रहे थे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ओ गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको किस बात का डर?
दोबारा अगर वो लोग यहाँ आए तो मैं इस सच को छुपाकर झूठ कैसे बोलूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी मुसीबत में आ गया। किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई झूठ बोला जाए तो वो गॉड की नजर में पाप नहीं है ना फादर? जीसस के सामने तेरे झूठ में साथ देने के लिए तूने मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। तुम ही बताओ जीसस, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ प्लीज। ठीक है, मेरे लायक कोई काम होगा तो याद कीजिएगा। थैंक यू सर। ओके। जिस तरह से घर का नक्शा और एड्रेस बताया था ना, लगता तो यही है। लगता है ये लोग भी इसी काम से यहाँ आए हैं। चल गाड़ी अंदर ले। क्या तुम्हारा ही नाम छोटा वर्गीश है? जी हाँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान के लिए तो यहाँ तक आया हूँ। मैं कड़ी मनूर का रहने वाला कुंजी कुट्टी हूँ। ये मेरा भाई और वो बेटा है, सोनी कुट्टी और सीमी कुट्टी। मेरे छोटे लड़के श्याम कुट्टी को तुमने अपने घर में छुपा कर रखा है, ये बात मैं जानता हूँ। पुलिस को हमने सारी सच्चाई बता दी है, हमें परेशान मत करो। मेरी प्लीज, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। आपके लड़के के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारी इकलौती बेटी है एनी, वो भी इस वक्त कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे। फोन करके भी देखा, वो भी स्विच ऑफ कर रखा है उसने। ए छोटे वर्गीश, बात सुन, तेरी नौटंकी मेरे सामने नहीं चलने वाली। मुझसे मजाक मत कर। चर्च में पूछताछ करने के बाद ही हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत इज्जतदार खानदान के लोग हैं हम। तुम्हारी कोई चापलूसी, कोई चालबाजी मेरे आगे बिल्कुल नहीं चलेगी, याद रख। ये कुंजी कुट्टी तुम्हें आसानी से छोड़ेगा नहीं। मैं भी एक बाप हूँ, ये आप मत भूलिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी दौलत ना जमीन जायदाद। मैं काम करके अपना परिवार पाल लेता हूँ। 30-40 साल से मेहनत करके काफी कुछ कमा लिया है मैंने। ऐसा सब कुछ नहीं होता, स्वाभिमान होना जरूरी है। स्वाभिमान संसार बसाना ही बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है, उसके साथ खानदानी परंपरा का होना भी जरूरी है। मिस्टर कुंजी कुट्टी, ये मेरा घर है, मेरी ही चौखट पर आकर आप फालतू बात कर रहे हो। जहाँ बुलाना हो बुला लो, मैं वहाँ आ जाऊंगा। चाहो तो सारे गांव वालों को बुला लो, जो जो पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा। चलो रे। सुनो, तुम्हारे बेटे को कहीं भी छुपा कर रखो, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद जो तुम्हें भुगतना होगा वो भुगतोगे तुम, ये बात याद रखना। चलो रे, आओ मैं भी देखता हूँ। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका कुछ खाए पिए कि नहीं नैन्सी? हाँ, उन लोगों ने तो कब का खाना खा लिया है, अब तक तो सो भी गए होंगे। इस वक्त कौन है जो बाइक पर यहाँ आया है? मैं जाकर देखता हूँ। कौन है ये जाने बिना ऐसे ही बाहर क्यों चले जाते हैं आप? कौन है? अरे मैं हूं जोस। तो तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया। तू यहां पर क्या कर रहा है? उस लड़के का बाप गुंडों को लेकर हर तरफ उसे ढूंढने निकला है। जॉय भैया, आप भी जरा सावधान रहिए। सनी ने कहा है कि वो दिल्ली वालों को कैसे भी तरह समझा लेंगे, तब तक संभल के रहिए क्योंकि सनी इंस्पेक्टर को मिलने गए हैं और मुझे भी यहीं रहने के लिए कहा है। अब ठीक है, अब आप, अरे तुम भी यही खड़ी हो। जोस ने क्या कहा तुम सुनी ना? अब हम क्या करेंगे नैन्सी? अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो फिर क्यों ऐसी मुसीबतें अपने सिर लेते हो? कंडापुरम वाले यहाँ आकर हमें मार कर चले जाएंगे, अब हमें ही उनका सामना करना है। हम यहाँ से भाग तो नहीं सकते ना? तुमने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी एनसी। तुम्हारे अंदर कुछ और बाहर कुछ और है एनसी। तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वो लोग अगर किसी तरह से उन बच्चों को यहाँ से लेकर गए तो हमारी इज्जत का क्या होगा? वो लड़का तो पिटेगा ही, उस लड़की का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। और फिर सनी मेरा पुराना दोस्त है, उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से काम निकलवाने के लिए ये कदम उठाया है, इसलिए किसी भी तरह से हमें इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। फिलहाल उन दोनों को टेरेस में छिपा कर रख देंगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ जितने भी नारियल थे उसे सब हटाकर वहाँ पूरी तरह से साफ करवा दिया है। वहाँ तक पहुँचने वाली सीढ़ी को तो सुतार ने तोड़ दिया है। उसकी परवाह आप मत कीजिए, एक मेज के ऊपर स्टूल रखकर किसी भी तरह उन्हें ऊपर चढ़ा देंगे। आप बेकार में ऐसे परेशान मत होइए, तब तक मैं और जोश जाकर सारा बंदोबस्त कर लेते हैं ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। आओ जोश। हाँ। श्याम कुट्टी। हाँ। श्याम कुट्टी यहाँ आओ।
यहाँ जल्दी आओ। क्या बात है जॉय भैया? श्याम कुट्टी, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिताजी अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ रहे। तुम उस लड़की को भी लेकर आओ। हा? तुम लोगों ने यह खुशबू वाला सेंट लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम लोगों को छुपाने के लिए नारियल जहां रखते हैं वो टेरेस वाला रूम ही सही है। हाँ, थोड़ी सुविधा की कमी है, लेकिन वही काम चलाना होगा। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि चटाई और तकिया वहां पर पहुंचा देता हूँ, ताकि चाहो तो तुम लोग वहां सो भी सको। ठीक है। स्वर्ग में रहने वाले यीशु, इस मुसीबत के पल में तुम अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। प्रेज द लॉर्ड। गधा कहीं का, हिरणी की बच्ची जैसी लड़की को तूने अपने पल्ले में बांध कर रखा है, ऊपर से भगवान से मदद मांग रहा है। हिम्मत नहीं थी तो नदी में छलांग लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसी बात मत करो जॉय भैया, आप मेरे बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मिट्टी का ढेला। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे तू। अगर तू अपने बाप के हाथ में आ गया तो क्या इसे तेरे पल्ले बांध देंगे? पल्ले बांधने वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ जुबानी ही है बड़े भैया, जिसे हम इंसानों ने बनाई है। मेरे पापा और भाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ अगर आ गए तो वो गॉड की ही मर्जी होगी और उसे कोई नहीं टाल सकता। ये सब गॉड ही करते हैं। गॉड के कुछ करने से पहले तू एनी को लेकर बाहर आ, तुझे नारियल वाले कमरे में पहुंचाता हूँ। हाँ। एनी, एनी। हाँ? हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। एनसी इस हालत में देखेगी तो पता नहीं क्या सोचेगी। सुनो, लाइट बंद कर दो, प्रॉब्लम है। एनी। हाँ? जॉय भैया कह रहे थे मेरे पापा ने हम दोनों को पकड़ने के लिए गुंडे छोड़ रखे हैं। हमें अब उस नारियल वाले कमरे में छुपकर रहना पड़ेगा। Praise the Lord. If I like you go, I'll never alone. When my life will be all day close to me. Now again we are doing the real adventurous things. Praise the Lord. ये क्या कह रही है श्याम कुट्टी? भैया, हम लोग जिस मुसीबत से निकले हैं उसमें हमें कामयाबी मिल रही है, इसलिए अब वो गॉड का शुक्रिया अदा कर रही है। Praise the Lord. The pleasure of this unique experience is something like the pleasure of the experience from the movies, and I have no words to explain it. Thank God. जो कुछ हम देख रहे हैं वो बस एक खुशी का माहौल है, खुशी का अनुभव है, उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। गॉड को धन्यवाद कर रही है एनी। ओहो। Thanks to Joy Uncle also for giving us a chance to experience this heavenly pleasure. ये स्वर्ग जैसी खुशी का अनुभव हम दोनों को देने के लिए एनी आपको दिल से शुक्रिया अदा कर रही है भैया। No mention, no mention. Day after day, time pass away, and I can't get you out of my mind. चलो चढ़ो श्याम कुट्टी। हाँ। Wow. ठीक से पकड़कर चढ़ना श्याम कुट्टी। ठीक है भैया। अब तुम जाओ। Help me, Shyam darling. Come up, Annie. Come on, Annie. Try, try. Come up. Grab my hand. Tight. आप जरा हेल्प करेंगे भैया? प्लीज अंकल। पुल पुल पुल। अब उसका हाथ पकड़ो, उसका हाथ पकड़ो। अब आ जाओ। अब आ जाओ एनी। ओह, हे ईश्वर, कहीं एनसी ना आ जाए। अब आ जाओ एनी। सॉरी भैया। भैया वो अंकल। नो प्रॉब्लम, तुम दोनों बिल्कुल सेफ हो। जब तक मैं या एनसी ना बोले यहाँ से हिलना मत। नहीं भैया। कॉफी। जॉश बरामदे में ही सो जाएगा, मैं जाकर उसे तकिया और चादर दे आती हूँ।
वो लोग भी सो गए, मैं और जोश थोड़ी देर बात करते हैं, शायद वो लोग आने वाले हैं। जॉय, अगर वो लोग रात को आ भी जाते हैं तो सारी बातें कल सुबह ही करना। अच्छा ठीक है। ये लोग फिर आ गए जोश। मेरी बंदूक कहाँ है? हाँ वो यहाँ पर है। बंदूक की क्या जरूरत है, जोश है ना, उनसे बात कर लो। यही है वो गुंडे? हाँ ये उस लड़के का बाप ही है। ये मुल्लत वालों का घर है? हाँ है। क्या तुम ही जॉय हो? जी हाँ। आप कौन हैं? क्या काम है इतनी रात को? सुनाई होगा, मैं करीमुड़ का कुंजम कुट्टी हूँ। और ये मुझे तो पहचान ही गया होगा। मेरे बेटे श्याम कुट्टी को तुम अपने साथ भगाकर यहाँ लाया, और उसके साथ एक वो नालायक लड़की को भी तुमने यहीं छुपा कर रखा है। हम लोग उन्हें लेने आए हैं, उन्हें बाहर बुलाओ और हमारे साथ खेलने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा होगा। देखिए भाई साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है, ऐसा कोई काम मैंने बिल्कुल नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कोई गलत काम करने वाला मैं नहीं हूँ। और फिर आपके लड़के को छुपा कर रखने में मेरा क्या फायदा होगा? अब आप लोग जा सकते हैं। जाओ मत रुको, श्याम कुट्टी पक्का यहीं पे है, हमारे लड़के को हमारे साथ भेजने में ही भलाई है। तुम्हारा क्या इरादा है जल्दी बता दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनिए, औरत और बच्चे जिस घर में सो रहे हैं उस घर में आधी रात में आकर आपके लड़के को छिपा कर रखा है, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? क्या समझ क्या रखा है आपने हमें? और आप ये भी मत भूलिए कि यहाँ कोर्ट और पुलिस भी है। एक और बात, कभी किसी को कमजोर मत समझिए। अगर आप लोगों को शक है तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं, पर अगर आपका बेटा यहाँ नहीं मिला तो याद रखिएगा आपकी सूरत दोबारा हमें मत दिखाइएगा, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ आप लोग ये सोच भी नहीं सकते। मतलब करेक्टर जॉन भी आपके कुछ लगते हैं? पापा के छोटे भाई हैं। देखो हमें सच में शक तो है। अगर शक है तो दूर करके जाइए, मैं और मेरे बच्चे हमेशा घर में ही रहते हैं। डोंट स्क्रीम शाम डार्लिंग, इट्स ओके। चलो चलो रे चूतिया। बंदूक की गोली के मुकाबले मेरे मुंह की बोली असरदार है या नहीं? हाँ ये सही कहा। ए जॉय! अरे वो लोग अभी तक नहीं गए। लगता है जॉय भैया आज रात हमारी अर्थी यहीं से उठने वाली है। हाँ, कलेक्टर को रिश्तेदार बताने से कुंजी कुटी डर सकता है, लेकिन ये बोल वचन सुन के मुक्का नहीं डरने वाला। मैं 100 कमीनों में से एक हूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करके ही जाऊंगा। सुनो, उन दोनों को घर से बाहर निकाल के मेरे साथ भेजने के लिए अपने पति को बोल दो, किसी का भी घर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, खून से नहला दूंगा। मुक्का, अगर जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से निकल, इसी में तेरी भलाई है, जा। भाई इसकी क्या जरूरत है, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैंने ऐसे खिलौने बहुत से देखे अपनी लाइफ में। लेकिन पता नहीं क्यों आज थोड़ा डर लग रहा है भाई। हा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुक्का, भगवान कसम मैं ट्रिगर दबा दूंगा, जीना चाहते हो तो भाग जाओ, चलो भागो। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा। ए, चल गाड़ी निकाल दे, हम लोग बंदूक से डरने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, मेरे नाम से पूरा इलाका कांपता है। अब बताओ तुम्हारी जुबान या फिर मेरी भंगार वाली बंदूक कौन सही है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
How I wonder what you are, up above the world so high. तुम्हारे पिता और उनके गुंडे चले गए, क्या आप डरने की जरूरत नहीं? भैया बोलो एनी, शाम के जब डैडी आए थे ना, तब शाम जोर जोर से रोने लगा था, तब मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसका मुंह बंद किया। थैंक यू एनी। नो मेंशन भैया। तुम लोग एक काम करो, चुपचाप निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम लोग सेफ हो, और जब तक हम ना कहें हिलना भी मत, खाना भी मैं यहीं भिजवा दूंगा। नो प्रॉब्लम। अपने आप को गुंडा कहता है? एक गन मिल जाता, गन तेरा बाप रख के गया था यहाँ, नालायक कामचोर। तू जाके देखना मैं तू कहाँ है। पुलिस हेडक्वार्टर में डीआईजी आए हैं, मैं जाके मिल के आता हूँ। अरे श्याम कुट्टी तुम हो, मेरे हाथ से अभी गोली चल जाती तो, और इस तरह पूरे सर पर चादर ओढ़कर तुम कहाँ जा रहे हो? वो नहीं भैया, मैं वो यहाँ चलने के लिए और हवा खाने के लिए आया था। हाँ चलने के लिए और हवा खाने के लिए ये सही जगह है और सही वक्त भी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, खतरे की घंटी बज रही और तू ऐसे घूम रहा है। खैर कोई बात नहीं, चल आजा आजा। अरे ये तो बाइबल है ना। ये क्या श्याम कुट्टी, तुम्हें कितनी बाइबल चाहिए, मैं तुम्हें खरीदूंगा। ये आधी रात को बाइबल हाथ में लेकर गोली मार दूं क्या? नहीं नहीं भैया। चला जा, हिरणी की बच्ची के जैसी लड़की साथ में होते हुए उसके साथ कमरे में सोने की जगह रात में भटकने निकला है डराने के लिए। मुझे शक था कि तू कोई कारनामा जरूर करेगा, इसलिए रात भर जागता रहा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चल श्याम कुट्टी, अब तू ऊपर जा, एक बार फिर गुड नाइट। जॉय भैया। तू डर मत श्याम कुट्टी, तुम्हारी शादी हम जल्दी ही करवा देंगे, तू डर मत। वो बात नहीं है जॉय भैया। तो फिर? मेरे मन को सुकून नहीं मिल रहा है भैया। अरे आहिस्ता बोल, एनसी और बच्चे जाग जाएंगे। और तू घुटनों के बल क्यों बैठ गया, चल उठ। एक लड़की को भगाकर लाते समय कुछ भी नहीं सोचा, और अब अपने बाप को देखकर पहले तेरी शादी हो जाए फिर अपने बाप से जाकर मिल लेना। हे ईश्वर, मैं इन दोनों के दुख दर्द को समझ सकता हूँ। अरे चल उठ जा श्याम कुट्टी। जॉय भैया चल उठना, सच में तू ऐसे नहीं मानेगा, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। बाप के साथ आंख मिचौली खेलते समय सोचना चाहिए था ना। जा भैया चल ऊपर चढ़ जा, चढ़ भैया। देख मैं यहीं पर हूं, आज रात की नींद तूने खराब कर दी, क्या सरदर्द है। Where were you, Shyam darling? बाइबल। इसे ही हटा देता हूं, अगर फिर से कोई नौटंकी किया तो वो ऊपर ही सही है। पुअर बेबी, यू आर सो सैड, इस तरह टेंशन लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बी हैप्पी मैन, हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। जरा सोचो डार्लिंग, लाइफ में और क्या चाहिए, आनंद संतोष। लेट्स सेलिब्रेट लाइफ, डांस म्यूजिक एंड फ्रीडम, द वेरी बेस ऑफ लाइफ। ये लाइफ का अहम हिस्सा है। गिव प्लीज श्याम डार्लिंग, प्लीज। मेरी प्रिय, तुम बहुत खूबसूरत हो, अति खूबसूरत हो। झील की गहराई से भी ज्यादा गहरी तुम्हारी ये दोनों आंखें हैं। संगमरमर से तराशा हुआ कोमल में समाकर नरम बनाकर तेरे लहराते बादल जैसे बाल, सागर की गहराई के सिप से निकाले हुए मोतियों जैसे हैं तुम्हारे दांत। तेरा अंग अंग एक मनोहर दृश्य है, और तेरी हंसी खिलता हुआ गुलाब है, और तुम्हारे बोल फूलों में छुपे शहद की तरह है। तुम्हारी खूबसूरती कोई क्या बयां करे,
तुम तो एक अप्सरा हो। एक तरफ उस लड़के का बाप कुंजी कुट्टी है और दूसरी तरफ है पुलिस। मुझे पूरा यकीन है वो लोग फिर आएंगे। इस तरह उनको छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जरा सोच के देखो। आप जो सोच रहे हैं सिचुएशन उससे ज्यादा सीरियस है। मैं इन बच्चों को अपने ऑफिसर के सामने पेश नहीं कर सकता, मगर बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ उनके साथ है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए जल्द से जल्द उन दोनों का कुछ न कुछ करने में ही भलाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा दो, और तो और आज या कल के अंदर, और उसके लिए जो भी इंतजाम करना होगा वो आज ही करना होगा। उसके लिए देवताओं की परमिशन मिलेगी तभी हम कामयाब हो पाएंगे। उसके बाप ने चारों ओर जाल बिछा रखा है, ऐसे में ये काम हो पाएगा क्या? सच कहूं तो शादी के लिए कोई सुनसान जगह ढूंढनी पड़ेगी तभी ये शादी हो पाएगी, वरना मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन ये माने तब तो? मेरे हिसाब से अगर ये दोनों भाग जाना है तो ही अच्छा है हमारे लिए। जोश में आकर अचानक ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा सनी? फिर तुम्हारे प्रोसिक्यूटर के काम का क्या होगा? तुम्हें अपना काम निकालना है कि नहीं? अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए अपना। ये तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोग फंसे हैं। मुझसे नहीं होगा ऐसा मैंने तुम्हें 100 बार बताया, तब भी सब लाकर मेरे माथे पर मर दिए, और अब इससे जान छुड़ाने की सोच रहे हो? खींच कर दूंगा। अरे नहीं जॉय। हाँ। क्या है जॉय? किसी भी तरह उन बच्चों को यहाँ से हटाते हैं, फिर आगे की सोचते हैं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए ना कि उनकी जिंदगी एक साथ बीत सके, तो हमें उस पर सोचकर काम करना होगा ना। आज के दौर में प्रेमी प्रेमिकाओं की कैसी कैसी कहानियां सुनने को मिलती है। प्यार किया तो डरना क्या और इस तरह से भागना क्या? चलो शाम को साइड में रखते हैं। उस लड़की का क्या होगा? बेसहारा और अकेली लड़की कहां कहां भटकेगी? कल अगर उसने अपनी जान दे दी तो कोई क्या कर पाएगा? मेरा बाल बच्चों वाला घर है, हमारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये हम रोज पेपर में पढ़ते हैं। देखो सनी, तुम्हें प्रोसिक्यूटर की फाइल चाहिए, जॉय को दिल का सुकून चाहिए। इसके लिए मुझसे जो मदद चाहिए वो मैं करने को तैयार हूँ, चाहे उसके लिए कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा विश्वास रखो, हमें जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा, यही हमारा उद्देश्य है। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ बालाकृष्णा। श्याम कुट्टी को उसके पिता और गुंडों से बचाना, फिर उन दोनों को ले जाकर किसी दूसरे जगह पे छिपाना इतना आसान नहीं है। उनके लोग लगातार ढूंढ रहे हैं उन्हें। अब मैं किसी तरह से उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। कल तक कैसे भी करके इन्हें यहाँ से निकालते हैं, आगे जो भी होगा हम लोग निपट लेंगे। संभाल के। थैंक यू भैया। नो मेंशन। मैं तुम्हें बाथरूम में पहुंचा देता हूं, तुम दोनों नहा धोकर कपड़े चेंज करके एकदम से तैयार रहना। तुम्हारी शादी की तैयारी करने के लिए मैं सनी को फोन कर देता हूं। तुम्हारे बाप और उनके गुंडों से बचाकर आज शाम को ही तुम दोनों को यहाँ से हम दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन ये मत भूलना भैया, गॉड के सामने रीति रिवाज के अनुसार प्रे करके गाना गाकर मुझे अपनी शादी करनी है। शाम डार्लिंग खामखा परेशान हो रहा है भैया। मैंने तो अपना दिल अभी से ओपन करके रखा है भैया, शादी ब्याह जिंदगी का एक हिस्सा है, देन एंड नाउ। गॉड की दया से सब कुछ तुम लोगों की इच्छा अनुसार ही होगा। ओके भैया। ओके एनी। अच्छा शाम का तुम ख्याल रखना, देखना ये फिर कहीं भाग ना जाए। नथिंग, ये तो मेरा प्यार है भैया, ये तो मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा, ये बात तो श्योर है। साथ में रहोगी तो ही अच्छा है। या कंटिन्यू ऑफ द जर्नी ऑफ एडवेंचर्स, कम शाम डार्लिंग कम। अरे वाह, दोनों तैयार हो गए। मैं जो भी कह रहा हूँ श्याम कुट्टी उसे ध्यान से सुनो। तुम दोनों को ढूंढने के लिए चारों तरफ गुंडों ने अपना जाल बिछा रखा है। तुम दोनों को किसी भी तरह से उन गुंडों से नजर बचा करके ध्यान केंद्र तक पहुंचना है। वहां पर ध्यान का अध्याय चल रहा है और ये सब कुछ दिनों तक और चलता रहेगा।
वहाँ के जो फादर हैं उन्हें फोन करके मैं सब कुछ बता चुका हूँ और आज मैं उनसे मुलाकात भी करने वाला हूँ। अब हम लोगों को सावधानी से आगे का सारा काम करना होगा और जैसा कि तुम दोनों चाहते हो कि तुम दोनों की शादी हो वो भी वहीं पर हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बहुत सही रास्ता है। तो फिर वक्त बर्बाद किए बिना जल्द से जल्द यहां से निकलो। मैं बालकृष्ण को लेकर वहीं पहुंचता हूं। बस यही प्रार्थना करो कि हम लोग जैसा सोच रहे हैं हो जाए। गॉड की कृपा से जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा। तुम इन्हें लेकर जाओ। तुम दोनों मेरी बात याद रखना। जॉय भैया, थैंक यू जॉय भैया, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना भैया। ये क्या है श्याम कुट्टी, तुमने ऐसी क्या गलती की जो मैं तुम्हें माफ करूं? तुमने कोई गलती नहीं की। नो क्राइंग, नो वरी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। कोई भी आ जाए हम सब एक साथ भिड़ेंगे। अरे सलाम भाई साहब। सलाम। आज का प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं। इस बारे में कोटेशन देने का इरादा है क्या? आप हमेशा ऐसा कहते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ भी कहो, मैं बेकार के कामों में सर नहीं डालता, ये सच है। वकील साहब को यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, क्या कहते हो? मैं क्या जानू। क्या कह रहे हो तुम, बिना मतलब की बात है। आखिर चक्कर क्या है, मैं भी तो जानू। बात क्या है ये पता चल जाएगा, उसके लिए अपना दिमाग मत खराब करो। तुम जल्दी में हो तो निकल लो यहाँ से। सही कहा तुमने, इस समय बहुत बिजी हूं मैं, बाद में मिलते हैं। जब चाहो तब मिल लेना। ओके, चलता हूं। थू, वकील की दोस्ती बहुत बुरी है। ये धोखेबाज जॉय का दोस्त है, साफ साफ कहूं तो लड़वाने वाला दलाल। इसे हमें क्या लेना देना। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सनी, उन्हें जो करना है करने दो, हम लोग देख लेंगे। तुम इस बात को इतना आसान मत समझो, उन लोगों ने नजर गड़ा कर रखी है। उनका अगला कदम क्या होगा ये तो भगवान ही जानते होंगे। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। तुम उन्हें अपने घर से संभाल कर निकाल पाओगे ना? तुम अपने काम को अंजाम दो सनी, जो आता है उन्हें आने दो। मैं अभी के अभी लड़का लड़की को लेकर यहां से निकलता हूं। अभी तुम फोन रखो और अपने काम पर ध्यान दो। अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, बहुत डरपोक है ये, हर काम में डरता है। दीदी जाकर आनी। प्यारी गुजिया, माय स्वीट गर्ल। दीदी दीदी, क्या आप खेल जीत गई? और नहीं तो क्या। तो फिर शादी कब होगी? वो होगी मेरी गुड़िया, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। बट डेट एंड टाइम नो आइडिया। डेफिनेटली आई विल कम टू यू आफ्टर मैरिज। ओके स्वीटी। शादी के बाद मैं और एनी तुम लोगों को मिलने के लिए जरूर आएंगे, ऐसा तुम्हारी दीदी कह रही है। प्रेज द लॉर्ड। दीदी मत जाओ ना। आई मिस यू। आउच। मैंने कई बार यहाँ पर एक लड़का और लड़की को घूमते हुए देखा है, सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है। उन दोनों को एक करने के लिए जॉय ने अच्छा खासा पैसा लिया है। भाई साहब ऐसी बातें मत करो। 10 पीढ़ी तक ये लोग खा सकते हैं, इतनी दौलत इनके बाप दादा पहले ही बनाकर इस दुनिया से गए हैं, उन्हें पैसों का टेंशन नहीं है। तुम्हें क्या पता है, लोगों का खून चूस कर अपनी दौलत बनाई है इन्होंने। मुझे तो बस अपने पैसे से मतलब है, कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। सूद के साथ मूल मिल जाए बस इतना ही चाहता हूँ मैं। थैंक्स। नो मेंशन। पीछे उसके साथ बैठ जा। सब ओके जो है, तुम जल्दी जाओ, जाना भी चलता है। थैंक यू भैया। नो मेंशन। बाय बाय। उसकी चापलूसी और धोखेबाजी, मनमानी के खिलाफ हमें जोर शोर से आवाज उठानी है। इस घर में जो धोखेबाज रह रहे हैं उनकी धोखेबाजी को अच्छा सबक सिखाना ही हमारा मकसद है, और आज हम सबक सिखा कर रहेंगे। मैं अपील करता हूँ कि कोई भी हमारे सामने आए तो हमें डर के नहीं भागना चाहिए। राष्ट्रीय युवा संघ जिंदाबाद। हमारी तरफ से भी जिंदाबाद। राष्ट्रीय युवा संघ जिंदाबाद। चलेगी, नहीं चलेगी।
युवा संगठन राष्ट्रीय युवा इनकी तो जो बकना है बकने दीजिए, वो थक जाएंगे तो चले जाएंगे। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? हर चीज की एक हद होती है एनसी। अब तक मैंने बर्दाश्त किया, अब नहीं करूंगा। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? मुझे जानना है वो लोग क्या चाहते हैं। राष्ट्रीय युवा संघ जिंदाबाद, राष्ट्रीय युवा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद युवा संगठन जिंदाबाद। लड़का लड़की को बाहर निकालो। अरे बाहर निकालो, हमें पता है वो अंदर है। क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें कुछ नहीं चाहिए, जिस लड़का लड़की को अंदर छुपा कर रखा है उन्हें बाहर निकालो। देखो इस वक्त मैं तुम लोगों को इज्जत से समझा रहा हूँ, मेरे घर में कोई लड़का लड़की नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग मेरी बात समझ गए होगे। किसी ने तुम लोगों को जानबूझकर भड़काया है, लेकिन एक बात तुम लोग साफ साफ जान लो, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं ये ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ। जीसस के नाम पर मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जॉय की बात पर यकीन कर लो। अगर इसके बावजूद किसी को भी शक है तो वो मेरे घर की तलाशी ले सकता है, लेकिन एक बात जान लो, अगर कोई नहीं मिला तो जो अंदर जाएगा वो सही सलामत नहीं आएगा। क्यों फादर, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। जॉय के चापलूसी में हम नहीं आने वाले। इतने बेचारे लोगों को इकट्ठा करके तू मेरे दरवाजे पर खड़ा है? ये दिन रात मेहनत करने वाले मजदूर लोग हैं, मुझसे बदला लेने के लिए तो इन लोगों को क्यों फंसा रहा है? इनका वक्त बहुत कीमती है। तुझे गॉड का वास्ता, इन गरीबों को जाने दे कुटप्पा। हाँ तो फिर तू बोल। आप चुप हो जा, तू कुछ मत बोल। तेरे जैसे प्याज खोर को मेरी चौखट पर आने की इजाजत किसने दी? अरे मेरे पुरखों की बनाई हुई जागीर है ये, जा यहाँ से जा। मुझे हाथ मत लगाना, कौन क्या मेहनत करके बनाया मुझे नहीं जानना। सुन ले, मुल्लत गांव से यहाँ आकर ये सब बनाया क्या सबूत है? तुमने यहाँ कितनों को फंसा कर रखा है? गांव वाले ये नहीं जानते, लेकिन तू क्या है मैं जानता हूँ। लोगों का कर्जा उतारने के लिए तू इंस्पेक्टर, हेरा फेरी करके इसने अपनी सारी दौलत बनाई है, पब्लिक न्यूसेंस। उसके बारे में मैं यहाँ पूछने आया तो कुत्ते जैसा मारा। इतने सारे लोगों के सामने उसने राजनीतिक आदमी पर हाथ उठाया, मतलब कोई कानून है कि नहीं यहाँ पर? आप कौन है? मुझे नहीं जानते? मैं कुटप्पन, पार्टी लेवल का लोकल कमेटी सेक्रेटरी, राष्ट्रीय मानवता जनता पार्टी का सेक्रेटरी भी हूँ। सेक्रेटरी अभी अभी बना हूँ मैं। अच्छा तो सेक्रेटरी यहाँ रुको, मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे जरा काम है। मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए। आओ सर। उस तरफ। पुलिस क्यों आई है मम्मी? उन्हें अपना काम करें तो बेटा। ये क्या है? ये बाइबल है। इसे नीचे क्यों रखा था? ये कोई खेलने की चीज है क्या? ये मैंने पढ़ने के लिए अंदर से निकाली थी। पढ़ने के लिए? वेरी गुड। पढ़ने के लिए। सर, शक के तौर पर एक बाइबल ही मिली है मुझे। गुड, पकड़ो। सर सॉरी मिस्टर, नो मेंशन सर। ये खाली हाथ कैसे लौट गए? चलो गाड़ी निकालो। जॉय, ऊपर वाले का नाम लेकर तू जो ये बेवकूफ बनाने का खेल खेल रहा है ना, उसे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। तूने उसे कहीं भी छुपा के रखा हो, मैं ढूंढ ही निकालूंगा। ओ हाँ, शौक से कुंजी गुट्टी जी। मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत आज उतर गई। बेइज्जती के बारे में सोच रहे हो? अगर पहले ही ये सब सोचते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता।
ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं और दो चार दिनों में लोग सब भूल जाते हैं। अब ये सब सोचना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। और वैसे भी आपने जो कुछ भी किया वो आपका फर्ज था ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम अपनी जुबान के खातिर इतनी सारी परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन अगर सनी जैसे दोस्त के लिए हम इतना भी ना कर पाए तो फिर फ्रेंडशिप का क्या मतलब रह जाएगा? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, किसी को भी प्रेयर करने का वक्त नहीं मिलता। खुद को भगवान की तरफ ले जाने के लिए वक्त नहीं है किसी के पास। अगर वो लोग यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ गए होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा घेरा तोड़ के वहाँ से भाग निकला है। अब मुझे एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, हमें इधर उधर भटकना छोड़ करके सीधा MLA के पास जाना चाहिए, वही सही रहेगा। हाँ, अरे सनी, तुम लोग कहाँ जाकर रुके हो? तुम लोग कहाँ पर हो ये बात मुझे फोन करके बता तो सकते थे। हाँ, क्या कहा? शक्ति मिलती है। अरे तुम्हें वहाँ क्या काम निकल आया? ओह, मैं तुमसे हार गया सनी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। गॉड भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हम गॉड को प्यार करते हैं। किसी तरह उन दो बच्चों को मिला दो तो अपनी जान छूट जाएगी। ये क्या है, बैलगाड़ी चला रहा है क्या? स्पीड बढ़ाना। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुंजी कुट्टी यहाँ पर आया था। मैंने सारी सच्चाई उसके सामने रख दी। सब सुनने के बाद वो अभी अभी यहाँ से निकला है। इंसान को कभी कभार झूठ बोलना भी आना चाहिए। अब मैं फादर को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम उन्हें मना लो, मैं कहूँगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम फादर के बारे में फिक्र मत करो, तुम सिर्फ काम को अंजाम देने के बारे में सोचो। शादी हो जाने के बाद वो लोग क्या उखाड़ लेंगे? उसके पहले कुछ लफड़ा हुआ तो? लफड़ा? अब ये सब छोड़ना डरपोक, हम लोगों ने जुबान दी है तो इसे अंजाम तक पहुँचाएंगे ही। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तैयारी पूरी है ना? हाँ, पहले वो दोनों कहाँ हैं वो देखते हैं, फिर फोन करता हूँ। ओके। अच्छा ठीक है, चलो। ओके ओके। हाय एनी। हाय भैया, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू भैया। एक मिनट। क्या प्रॉब्लम है? सब लोग मिलकर समझा रहे हैं, लड़की शादी के लिए तैयारी नहीं हो रही। इतने दिनों से उसके दिल की बात जानने के लिए हमारी सारी कोशिश बेकार गई। अगर ईश्वर की मर्जी ना होना तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपका परिवार बिल्कुल नहीं बस पाता। श्याम अपनी पूरी कोशिश में लगा है कि वो जीसस के सामने पूरी रीति रिवाज से प्रार्थना करके गाना गा करके अपनी शादी करे, और इसके लिए श्याम ने अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी है। ये दोनों एक हो पाएंगे, मुझे तो इस बात पर शक है। अब अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ ईश्वर ही कुछ करेंगे, इसीलिए इन दोनों को अपने अपने रास्ते जाने दो, ऐसा मैंने फैसला किया है। अरे नहीं, देखो सनी, तुम ऐसी बातें मत करो, हमें एक बार फिर से। अरे मिट्टी के माधव, जब लड़की तैयारी नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं, अब इस मामले को यहीं छोड़ते हैं हम। इस मुसीबत से अब मैं अपनी जान छोड़ना चाहता हूँ। अब तू मेरा मुंह मत खुलवा। बाल बच्चों के साथ में सुकून की जिंदगी जी रहा था, जबरदस्ती तूने अपने गले की मुसीबत मेरे गले में डाल दी, और अब तू ऐसी बातें कर रहा है? अब तो मुझे घर में और गांव वालों की नजर में शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मुझे बीच मझधार में फंसा कर तो जा रहा है। क्या कह रहे जॉय? तो और क्या बोलूं? मैं भी फंस गया हूं जॉय, अब तुम ही बताओ क्या करूं। ऐसा होगा, मुझे क्या पता था। मुझे माफ कर दो भाई, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अब ये मुसीबत मैं और ज्यादा नहीं झेल सकता हूं, सच कह रहा हूं। हो सकता है ये खबर भी उन्हें मिल चुकी हो, सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि उनका जाल बहुत बड़ा है। अगर इतना ही डरपोक है तो फिर ऐसी मुसीबत को गले में क्यों बांधा? अरे मर्द है तो मर्दानगी दिखा। तुम कुछ देर यहाँ इंतजार करो, मैं होटल का सारा काम सेटल करके यहीं पर आता हूँ, उसके बाद इस मामले में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तुझे सेटलमेंट करना है तो कर, या जहन्नुम में जा, मेरे पास मत आना। यार जिस तरह से बैकी बैकी बातें क्यों कर रहा है, आखिर ऐसे हुआ क्या? उसकी बात छोड़ ना यार, उसके कहने के पीछे रीजन है। सुन मेरी बात, वो सच कह रहा है, वो लोग तैयार नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जाने दो उन्हें अपने रास्ते। बच्चों से ज्यादा तूने परेशान किया है जॉय भैया। अरे एनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप ही का वेट कर रही थी भैया। थैंक यू सर। वेलकम।
तुम नहीं चल रहे हो क्या? जानती हो एनी, मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या लफड़ा है? वो मैं टू टेल द ट्रुथ, शाम डार्लिंग के साथ मैंने जो एडवेंचर किया वो सब ओके, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। आई कांट लव डीपली शाम डार्लिंग एनीमोर, दैट आई रियलाइज। देखो मैं किसी की बातों में नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो भी समस्या है मुझे तुम दोनों से खुलकर बात करनी है, कोई ना कोई उसका हल निकल ही जाएगा। बातचीत से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एनी, इसीलिए मुझे एक बार फिर से तुम्हारे लिए कोशिश करनी ही होगी। सॉरी जॉय भैया, डेफिनेटली आई कांट, मुझे माफ कर दो, प्लीज कम। हाँ एल्विन मेरा क्लोज फ्रेंड है। एल्विन, डू यू नो हु इज ही? या जॉय भैया, मैं इसे सब बता चुकी हूँ। हाय जॉय भैया। हेलो एल्विन, तुम कहाँ रहते हो? पतरकटा। जॉय भैया, मैं इसे पसंद करती हूँ, इसे समझने में मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगा। नाउ वी हैव डिसाइडेड टू क्रिएट एन अनमैरिड एडवेंचरस फैमिली। एक अनमैरिड लाइफ जीना ही एनी का सपना है, इसीलिए मैं इसे दिल्ली ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि ये उसे पूरा कर सके। भैया आपने जो प्यार दिया और जितनी मदद की, उसके लिए एनी आपको थैंक्स बोल रही है। थैंक्स जॉय भैया। नो मेंशन एनी। लेट्स गो एल्विन। श्योर। उसमें क्या देखकर तूने अपने माँ बाप को धोखा दिया? अरे क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? चल जा, जाकर अब सुकून से रह। मेरे जी में जो आएगा वो मैं कहूंगा। ये लफड़ा मेरे और इसके बीच का है, तू क्यों बीच में आ रहा है? एक बात सुन, अपने करने की सजा इंसान को अकेले ही भोगनी पड़ती है। ऊपर वाले ने हमें यहाँ पर सुकून से जीने के लिए भेजा है, प्यार से और अपनेपन से जीने के लिए। इंसान को ही नहीं, मिट्टी को, पेड़ों को और सारे प्रकृति को भी। सुन, जिंदगी में किसी भी लड़की को अपने दिल में बसाने से पहले सच्चे दिल से चाहकर उसके जिस्म को छुए बिना, लेकिन जब कहीं बात बिगड़ने लगे तो उसे सच्चे मन से अपनी बाहों में भरकर प्यार से मनाकर उसका दिल जीतने की हिम्मत तुझ में नहीं है तो फिर तेरी ये जिंदगी किस काम की? हर बात के लिए अगर तू प्रे करेगा तो वो नीचे आकर तेरा साथ नहीं देंगे, वो तुझसे पूछेंगे अबे नालायक तुझे धरती पर क्यों भेजा, और उठाकर तुझे सीधा नर्क में भेज देंगे। चल मेरे साथ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया पापा, मुझे माफ कर दो पापा। जो काम मैंने आपको सौंपा था आप उसमें फेल हो गए। टू बी फ्रैंक, आई एम हेल्पलेस। I am the light of the world and you want to follow me, then you will never walk into darkness. Mm-hmm.
सुनिए जी, आखिर बात क्या है? किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं आप? जानती हूँ एंसी, अगर मैं सच कहूँ तो हम दोनों भी एक प्रेमी प्रेमिका जैसे ही हैं। आप फिर से शुरू हो गए ना? जा कहाँ रही हो? आज मैं तुमसे अपनी बात मनवा कर ही रहूँगा।